जो आज के फैकल्टी है उनके विषय में मैं ये बताना चाहूंगा। भास्कर जी तो खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे, मेरे से बेटर एक्सप्लेन करेंगे वो, और लेकिन उनके विषय में शी इज अ मास्टर ऑफ द लाल किताब। लाल किताब की तो मतलब उनके जैसे लाल रंग का खून होता है वैसे लाल रंग की किताब वो साथ में उनके बहती रहती है, गंगा जी बहती रहती है, उनके तो चलती रहती है, लाल किताब सुनाई रहती है। एंड सो द केपी आल्सो, केपी मतलब केपी की शीट जिसका लॉट ऑफ लॉट ऑफ रिसर्च शी डिड एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज शी डिड ऑन द केपी, उसके माध्यम से उन्होंने केपी में इतनी सारी एक्टिविटीज करी है। और आज का जो सब्जेक्ट है वो केपी का बास्टन थ्योरी से अनदर काइंड ऑफ केपी एडवांस लेवल कस्पर इंटेलिजेंस, बहुत लोग जानते होंगे सीएएल के नाम से। एंड शी इज अ मास्टर ऑफ सीएएल, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर द सीएएल, वेरी स्ट्रॉन्ग कस्पर इंटरलिंकिंग सिस्टम, शी नो शी वर्क ऑन दैट एंड अपने सिस्टम में अपनाती हैं, अपने एक्टिविटीज में डे टू डे एक्टिविटीज में करती हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आते हैं। जिन लोगों को सीएएल का थोड़ा बहुत जानकारी है उनको पता होगा सीएएल हाउ पावरफुल टेक्निक इट इज, और जिनको नहीं होगा उनको आने वाली जर्नी में पता चल जाएगा वन ऑफ द वेरी पावरफुल टेक्निक। प्लीज एडजस्ट योर माइक एज इट इज बी बिट लाउडर। मेरी वॉइस आ रही है सबको? एक तो सारे माइक ऑफ करने के बाद ये दिक्कत होती है। आई एम पुटिंग सम माइक्स ऑन ऑन, मैंने दो तीन माइक्स खोले हैं सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू मी। आई एम ऑडिबल? सुनाई दे रहा है सर, यू आर ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल। थैंक यू, थैंक यू। सो ये पद्धति, ये शिक्षा एक सीएएल की बहुत इंपॉर्टेंट थी। लास्ट टाइम जब हमने किपी किया था तभी हमें लग रहा था कि सीएएल करना जरूरी है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन पीछे बीच में कुछ समय नहीं कर पाए। यस, बट द सब्जेक्ट इज नाउ बैक एंड जो इंस्ट्रक्टर जो फैकल्टी आज कर रहे हैं एंड शी डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन लाल किताब कनेक्टिंग विद सीएएल एक मिशन की तरफ है। हाउएवर कुछ टॉप कुछ आपको उसकी झलक मिलेगी इस जर्नी के अंदर, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनती है जब लाल किताब जिसको आती हो और सीएएल जिसको आता है वो दोनों को मिशन करके उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आते हैं, बहुत बढ़िया मजेदार चीज आती है। तो जब जब भी कोई इस लाइक कहते हैं ना वो जब दो डिफरेंट चीजों का संस्कृति का मिश्रण होता है उसका जब उससे जो नई बर्थ बनती है उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट होता है, उसका अलग ही फ्लेवर होता है। इट्स समथिंग लाइक दैट लाल किताब का और सीएएल जो केपी केपी जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उसी का स्टैंडर्ड पार्ट सीएएल है, जिसको भास्कर थ्योरी में इसलिए बोलते हैं कि भास्कर एक व्यक्ति हुए साउथ में जिन्होंने उसमें काफी काम किया, उन्होंने इसको काफी याद किया, उसके बाद कुछ काफी लिटरेचर्स भी लिखे उन्होंने। तो इट्स बीन कनेक्टेड एज ए भास्कर थ्योरी, बट इट्स एक्चुअली स्टैंडर्ड आर्म ऑफ द केपी आल्सो कैन बी कनेक्टेड दैट थिंग राइट। एंड आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गिव ए वेरी वार्म वेलकम टू नीति जी, नीति विवेक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के इस वेबिनार में, धन्यवाद आपका। और आई रिक्वेस्ट ऑल यू ऑल ऑफ माय पार्टिसिपेंट टू गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू नीति जी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी सबका कि आज आपने अपना संडे का टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए, तो मैं आपका कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसका फायदा पूरा पूरा मिल सके। तो भास्करन थ्योरी की अगर हम बात करें, अब आप आमतौर पर देखते हैं कि भाई हमें ये आगे ले जाना, केपी से हमें आगे ले जाने की जरूरत कहाँ पड़ी। जब दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, आप सबको जिनको केपी आती है उनको ये पता होगा कि भाई चंद्रमा का नक्षत्र पूरा दिन सेम प्लेनेट रहता है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप योर कैमरास ऑन, देन इट विल बी अ बेटर इंटरेक्शन। प्लीज पे योर ग्रेटिट्यूड टू द फैकल्टी, राइट, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। थैंक यू, थैंक यू। तो जब जी सर दो बच्चे जब जुड़वा पैदा होते हैं या पूरे वर्ल्ड में एक ही समय पे इतने जन पैदा हो जाते हैं लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग होती है, वो किस्मत अलग कहाँ होती है इसको जानने के लिए हमें केपी से आगे बढ़ना पड़ा, जिसके लिए हम सब सब लॉर्ड की पोजीशंस पे उतरे। जब हम सब सब लॉर्ड की पोजीशंस पे उतरे तो हमें कुछ प्रोमिसेस दिखे कि भाई इस कुंडली में जिस कुंडली को हम सब सब लॉर्ड को ले रहे हैं इस इंसान को पूरे जीवन इतनी घरों का फल मिलेगा, और वो ही मिला। जब रिसर्च आगे चली तो पता चला कि भाई आपका जो सब सब जो सब लॉर्ड है नक्षत्र पूरा दिन रहेगा, सब लॉर्ड जो है 8 मिनट से 10 मिनट के बाद बदलेगा, और जो लॉन्गर प्लैनेट्स हैं जो बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर सैटर्न मार्स ये थोड़ा और डिले पे बदल जाते हैं, लेकिन सब सब लेवल पे प्लैनेट हर 5 से 10 सेकंड
या कभी कभी 20 से 25 सेकंड में बदलता है, वहां पे जाके आपकी पोजीशन चेंज होती है। इंसान के कभी कभी योग दिख रहे होते हैं। अब आप ये माने कि वैदिक में आप इतने योग पढ़ते हो, अब किसी का राजयोग है, किसी का कुछ योग है, किसी का कुछ, फल तो उसको नहीं मिल रहा उसका। अब ऐसे अगर आप कुंडलियों में 10 कुंडलियां आपने देखी, 5 कुंडलियों में आपको राजयोग मिले, क्या पांचों के पांचों अंबानी है क्या? कहां पे प्रॉब्लम, कहां पे चेंज आया, कहां पे उनकी किस्मत बदली? वो किस्मत बदलने का जो जरिया है वो हमारा सिर्फ सब सब लॉर्ड बदलता है। तो भास्कन थ्योरी के थ्रू आप माइन्यूट के अंदर गुजर जाते हो कि भाई इस इंसान की किस्मत कौन कौन से घर से चलेगी, कहां कहां से इसको फल मिलेंगे। कुंडली जो लगन है, अब मैंने जैसे कहा कि भाई आपके उस समय 4 बच्चे पैदा हुए या 100 बच्चे पैदा हुए पूरी दुनिया में, सबका चार्ट तो सेम ही बनने वाला है। ऊपर से आपने देखा कि भाई मेष लगन की कुंडली बन रही है, तो जहां जहां दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं सबका एक ही जगह पे चंद्रमा बैठेगा, नक्षत्र लॉर्ड भी सेम रहेगा जो केपी में हमने माना। अब उस नक्षत्र लॉर्ड का सेम होना उन्हीं उन्हीं घरों को आगे देना कि भाई इसको मिलेंगे 1, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 12 के रिजल्ट। अब पूरी दुनिया के थोड़ी ना, उस जितने बच्चे पैदा हुए उस दिन सबको उसी के रिजल्ट मिलेंगे। कहां पे बदला? कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, किसी के फादर नहीं थे जिंदा जब वो पैदा हुआ, और किसी के दोनों पेरेंट्स थे, किसी के पास बड़ा परिवार था, कोई सड़क पे पैदा हुआ। सड़क पे पैदा होने के बावजूद भी वो आज कहीं बड़ा ऑफिसर है। जो अमीर फैमिली में पैदा हुआ वो कहीं भी कुछ नहीं कर रहा, आवारागर्दी कर रहा है। तो ये प्रॉमिसेस आपको कहाँ मिलेंगे? ये प्रॉमिसेस आपको भास्करन थ्योरी देती है। होश उड़ जाते हैं जब हम किसी की कुंडली लगाते हैं। इवेंट रेक्टिफिकेशन, इवेंट वेरिफिकेशन, आपका बीटीआर, आप लोग जो कुंडली का टाइम लेके चलते हैं, इस थ्योरी के माध्यम से आप अपनी अपनी कुंडली में ये जान सकते हैं कि आपकी मदर ने आपको कंसीव कब किया था, आपकी नाल कब कटी थी, आपने पहली सांस इस दुनिया में कब ली थी। चलो ये तो चलो कोई भी जान लेगा क्योंकि इवेंट घट चुकी है। आप आखिरी सांस कब लोगे ये जानना थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप ये भी जान सकते हो। आपके पास भास्करन थ्योरी कहां पे चेंज हुई? भाई कोई इंसान आपके पास आता है वो कहता है कि भाई मेरे पास तो, मेरे को तो पता ही नहीं मैं दुनिया में कब आया हूं, मेरे को तो टाइम का ही नहीं पता, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं जो मुझे बता सकेगा, तो कहां से बदलेगी वो चीज? तब आपको इस भास्करन थ्योरी की याद आएगी। चलो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, हम एक प्लैनेट पे उतर आए कि भाई ये प्लैनेट है जो इसको तकलीफ देता है, तो जिन्होंने मेरे साथ लाल किताब करी है उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, उस प्लैनेट की रेमेडी करा दो। तो यहाँ पे सारी सिचुएशन चेंज होती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, और आप में से ही अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूं कि भास्करन थ्योरी के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि भाई हमने पूछा, मैं दुबई में बैठी हूं, आप इंडिया में, कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो जहां बैठा है वो वहीं का सिटी डालेगा, टाइम जो आपको सहूलियत है, जिसने सामने वाले ने पूछा नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का सर ऑप्शन दे दीजिए। योर कोर्स यू कैन डू दैट। ठीक है सर, आप लोगों के सामने ये चार्ट दिख रहा है। मैं अभी आपके सामने आईपी इंस्टेंट प्रश्न कुंडली लगाने जा रही हूं। मान लीजिए आपके पास व्यक्ति आता है,
वो ये कहता है कि भाई मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे के बारे में पूछने आया हूं, क्या ये विदेश जाएगा? इसका करियर कैसा होगा? इसकी जिंदगी चलेगी कैसे? शादी होगी? बच्चे होंगे? मैं दादा बनूंगा? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा चलते हैं और आपके पास मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें इस चार्ट में करना क्या है, मैं आपको सिर्फ उसकी एक ग्लिम्स देने जा रही हूं कि हम भास्करन थ्योरी को चलाते कैसे। हमने यहाँ पे एसेंडेंट को देखा, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है ये कस्प वन है। कस्प वन का जो सब सब लॉर्ड है यहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा को हम ये देखेंगे कि उसकी स्क्रिप्ट हमें क्या कह रही है, चंद्रमा की स्क्रिप्ट हमें क्या कह रही है। ऊपर देखोगे तो चंद्रमा के आगे हम इसको ऐसे बोलेंगे कि मून इज इन द नक्षत्र ऑफ सूर्य, इन द सब ऑफ वीनस, इन द सब सब ऑफ जुपिटर। यानी चंद्रमा जो है हमारा वो सूर्य के नक्षत्र में है, सब लॉर्ड वीनस है और सब सब लॉर्ड गुरु है। अब कहानी कहां बदलती है भाई? कहानी कहां बदलती है? कहानी बदलेगी इस गुरु पे। हमने इस गुरु को उठाया, यहां से हमने गुरु को उठाया और हम गुरु को आगे देखेंगे कि भाई गुरु इसके क्या कह रहे हैं। पहले तो हमें प्रॉमिस देखना है कि भाई इसकी कुंडली में कौन कौन से खानों का प्रॉमिस है। इसके पिता ने हमसे पूछा शादी होगी या नहीं होगी, विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जिंदगी कैसे रहेगी। तो हम गुरु को नीचे कस्पल चार्ट में ढूंढेंगे। अगर आपने सिर्फ इसको SSL लेवल तक ही देखना है, अब आप देखो गुरु पहले में नहीं है, गुरु दूसरे घर में नहीं है, गुरु तीसरे घर में नहीं है, गुरु चौथे में नहीं है, गुरु पांचवे में है, फिर उसके बाद गुरु छठे में है, गुरु सातवें में है, गुरु आठवें में है, गुरु नौ में नहीं है, गुरु दस में नहीं है, गुरु ग्यारह में नहीं है, गुरु बारहवें में है। तो इस इंसान को आपने देखा कि भाई इस बच्चे का 5, 8, 12 आ रहा है। 3 घरों से जिंदगी चलेगी क्या भाई? 3 घरों से तो जिंदगी चल नहीं सकती। यानी ये बच्चा जो पैदा हुआ, हमने देखा कि भाई हमने याद रखिए कि हमने क्वेश्चन क्या किया था कि मेरे बच्चे का, मेरे बेटे की जिंदगी कैसी रहेगी। पांचवा घर संतान का आ गया आपके पास। आठवां घर कि भाई पिता ने पूछा पिता क्या है, कि भाई वो पिता बहुत चिंतित है उसके लिए। विदेश 12वां, यानी 12वां भी आता है घर। अब हम गुरु को देखेंगे कि भाई गुरु और हमें क्या दे रहे हैं। गुरु को जानने के लिए हम गुरु की स्क्रिप्ट देखेंगे। हमने देखा कि भाई गुरु जो है इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न, इन द सब ऑफ मार्स, इन द सब सब ऑफ मून। यानी गुरु जो है यहाँ पे आपके शनि के नक्षत्र में है, मार्स उनका सब सब है, सब लॉर्ड है, और चंद्रमा उनका सब सब लॉर्ड बनता है। अब हम इस चंद्रमा को इस स्क्रिप्ट में देखेंगे कि गुरु से, गुरु उनको कौन कौन से घर के रिजल्ट देगा। गुरु ने उनको, चंद्रमा ने उनको पहले घर इन्वॉल्व किया, उसके बाद उसने दूसरा घर इन्वॉल्व किया, उसके बाद उसने तीसरा घर नहीं इन्वॉल्व किया, उसके बाद उसने चौथा घर इन्वॉल्व किया। तो हमें अभी तक यहां मिले 1, 2, 4। पांचवे में चंद्रमा नहीं है, छठे में चंद्रमा है, सातवें में चंद्रमा नहीं है, आठवें में चंद्रमा नहीं है, नौवे में चंद्रमा है, दस में चंद्रमा नहीं है, ग्यारहवें में चंद्रमा
भी नहीं है, बारहवें में चंद्रमा है। तो यानी उसके जो पिता ने उसके उस समय क्वेश्चन किया कि भाई विदेश जाएगा, हाँ विदेश जाएगा, नौकरी करेगा। अच्छा इसकी शादी होगी क्या? अब हम शादी का तो हमें प्रॉमिस मिल ही नहीं रहा भाई, शादी के घर तो हमें मिल नहीं रहे। लेकिन अगर आपने गुरु पे ध्यान दिया होता तो वो हमको पांचवा घर दिखा रहा था, विच इज द सपोर्टिंग कस्प ऑफ सेवेंथ हाउस। तो यानी कि आप उस बंदे से ये कह सकते हो ग्लिम्स ऑफ प्रश्न कुंडली में कि भाई हाँ आप जो क्वेश्चन लेकर आए हो वो जायज क्वेश्चन है आपके, कि आपका बेटा नौकरी करने विदेश जा सकता है, आपके बेटे की शादी होगी। जब हम शादी का टॉपिक लेंगे तो हम और इसके आगे डीप जाए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हर टॉपिक के अलग अलग होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब आपके पास यही व्यक्ति आता है, वो ये कहता है कि भाई जी मुझे तो कुछ नहीं पूछना, मुझे खाली ये देखना है कि मेरे मेरे बेटे की किस्मत कैसी रहेगी। तो अब हम दोबारा इंस्टेंट प्रश्न कुंडली लगाते हैं, असेंडेंट के पास आते हैं, असेंडेंट का SSL देखें, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य को आप इस कस्पल पोजीशन में ढूंढ लीजिए, पहला घर, दूसरा घर, उसके बाद आपके पास चौथा घर, उसके बाद आपके पास दसवां घर। तो ये सारे घरों से इस इंसान को रिजल्ट्स आएंगे, यानी ये हाईली प्रोफेशनल होगा। दसवां घर आ गया सूर्य का, पहला घर आ गया सूर्य का, पराक्रमी होगा, यश वाला होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकता होगा। तो ये सारी चीजें आप भास्करन थ्योरी में छोटी छोटी चीजों को भी आप जान पाते हैं। फिर हम यहाँ पे आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजिट। ट्रांजिट्स हम चार प्लैनेट के ट्रांजिट्स देखते हैं, शनि, गुरु, सूर्य और चंद्रमा। इन चारों के अप्रूव किए बिना कोई इवेंट आपकी लाइफ में नहीं घट सकती। वन टाइम लाइफ में इवेंट क्या होती है? वन टाइम लाइफ में इवेंट होती है डेथ, जो दोबारा कभी नहीं घटेगी उस इंसान की जिसकी डेथ हुई। शादी आपकी दो बार हो सकती है, तीन बार हो सकती है, बच्चे आपके दो बार हो सकते हैं, तीन बार हो सकते हैं। तो जब तक ट्रांजिट अलाउ नहीं करेगा आपकी लाइफ में कोई इवेंट नहीं घटेगी। सिर्फ ये चार प्लैनेट्स की हम मेजर ट्रांजिट्स देखते हैं। फिर आप आगे इस कोर्स में पढ़ोगे कि प्रोग्रेशन, कि भैया जो बंदा आपके पास आया है जिस उम्र में वो है, क्या सच में उसकी वो उम्र है? सबसे पहले हम कहाँ पे चूक जाते हैं, हम क्यों अपने क्लाइंट्स लूज कर देते हैं, या हम क्लाइंट्स को क्यों नहीं एक्यूरेसी दे सकते? क्योंकि हम वेरिफिकेशन नहीं करते। सामने वाले ने आपको आके टाइम दे दिया, आपने डाला, आपने निकाला, आपने उसके ऊपर प्रेडिक्शन दे दी, उपाय भी दे दिए। किस्मत आपकी अच्छी है, आपके ग्रह अच्छे बैठे थे उस दिन, तो काम सामने वाले का भी निकल जाएगा थोड़ा बहुत। अगर दोनों की खराब है तो कुछ भी नहीं होगा, वो बंदा वापस आपके पास आएगा, क्योंकि काम हो जाएगा वापस नहीं आता कोई, काम नहीं होने पे वापस आएगा। वो ये बोलेगा आके कि भैया मेरा काम तो हुआ नहीं, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन करी नहीं, आपने ट्रांजिट्स को चेक ही नहीं किया, आप उतरे ही नहीं डीपली उसकी कुंडली में, आपने रूट कॉज तो पकड़ा ही नहीं, क्योंकि आपको रूट कॉज पता ही नहीं। आपने तो सिर्फ D1 चार्ट देखा, नवांशा देखा, सारे चार्ट देख डाले, लेकिन आपको वो पिन पॉइंट करना आया ही नहीं, क्योंकि कोई दशा चल रही है, वो दशा सबकी चलती है। अब वो दशा वाला प्लैनेट आपको क्या वेरिफिकेशन दे रहा है, कौन से हाउसेस को इन्वॉल्व कर रहा है अपने सब सब लेवल पे, कहां से उसको सपोर्ट आ रहा है, कहां से वो अनफेवरेबल कस्प आ रहा है। आप ये माने कि भाई KP में 1, 3, 5, 9 इज फेवरेबल कस्प, न्यूट्रल कस्प 2, 6, 10, अनफेवरेबल कस्प 4, 8, 6, 12। तो ये जो कस्प है KP में हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मैं आपको KP और भास्करन की एक
सेपरेशन वो दिखा रही हूँ। मान लीजिए कि भाई हमने ये सूर्य को पढ़ा, हमने इसका सबलॉट देखा, यहाँ पे इसका सबलॉट सैटर्न बनता है। सैटर्न देखे नीचे कि भाई हमें क्या दे रहा है, सैटर्न हमको कौन कौन से कस्प में अपीयर हो रहा है, सैटर्न आपका चौथे कस्प में अपीयर हो रहा है, पांचवे में हो रहा है, छठे में हो रहा है, सातवें में हो रहा है, आठवें में हो रहा है, हमने ये देखा और हमने सोचा अरे यार इसके लिए तो सैटर्न बहुत ही खराब है, इसको तो हम सैटर्न की जो इसकी दशा चलेगी वो खराब चलेगी, हमने यहां से देख लिया। हमने फिर सैटर्न को पढ़ा, सैटर्न के अंदर जो उसका सब लॉर्ड है वो बुध बन गया, बुध को फिर हमने ढूंढा यहाँ पे कि भाई बुध, अरे हाँ भाई बुध इसको देखो थोड़ा बहुत पैसा दे जाएगा क्योंकि दूसरे खाने में आया। गलत, क्योंकि हम आगे बढ़े ही नहीं। तरीका क्या था देखने का कि भाई हमने इस लेवल से उसको ढूंढना था, हमने सब सब लेवल से उसको आगे ढूंढना था। आपको केपी में 80% एक्यूरेसी मिलती है, जब आप सब सब लेवल पे उतरते हो तो आपको 99.9% मिलती है, 1% तो ऊपर वाले के हाथ में। जब आप इतनी एक्यूरेसी से सामने वाले की दशाओं को भी चेक कर सकोगे तो आप उसको इवेंट का घटने वाला घंटा भी बता पाओगे। केपी में हम होरारी लेते हैं, अब मैं आपको होरारी दिखाती हूं। यहाँ पे केपी में हम होरारी लेते हैं 1 to 249। सीआईएल भास्करन में हम होरारी लेते हैं 1 to 2193। यानी हम इतने डीप उतर गए। अगर हम इतना उसका वो कर पाए तो हमें क्या आंसर्स नहीं मिलेंगे, हमें आंसर्स एक्यूरेसी पे मिलेंगे। 249 से और आगे हम बढ़ गए तो हमें आंसर्स 100% मिलेंगे। अभी जैसे इस समय हमारे पास यहाँ पे इतने लोग जमा हैं, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो मैं आपसे ही हुरारी लूंगी ताकि आप देख सको कि हम हुरारी को कैसे लगा रहे हैं। सर ओवर टू यू। नीति जी आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं मनीष जी को। जी मैंने कर दिया अभी अनम्यूट। जी जी मनीष जी। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। आप हमें कोई नंबर दोगे जो आपके दिमाग में आ रहा है? मैं आपको नंबर दू 8 सोच के दीजिए जो एकदम से सोच के दूं। चलो जी। 2 नंबर 2 ओके ठीक है। हमने यहां पे होरारी खोला। इनका नाम मनीष है। यहाँ पे इसको हमने चेंज नहीं किया क्योंकि जहां मैं बैठी हूँ ये मुझे वहीं का टाइम और जगह बता रहा है। नंबर 2 हमने यहाँ फीड किया, नीचे हमने ओके किया। इनके प्रश्न का ये चार्ट निकल कर आ गया। अब इन्होंने जो प्रश्न किया वो हमसे किया कि भाई क्या मेरा करियर और मनी प्रॉब्लम्स, इसको हमें पहले वेरीफाई करना है। चंद्रमा देखे कहां बैठा है, दूसरे घर में। करियर एंड मनी प्रॉब्लम्स। चंद्रमा का नक्षत्र कौन है? सूर्य है। सूर्य कहां बैठे हैं? सूर्य तीसरे घर में बैठे हैं, पराक्रम के घर में। अब हम आगे चलेंगे कस्प पे कि भाई कस्प इनका क्या हमको दे रहा है।
कस्प हमको शुक्र दे रहा है. SSL देखें नीचे, CUSP 1 लिखा है, उसके आगे आए ऊपर देखें यहाँ पे SSL लिखा है, तो हमें मिला वीनस. वीनस को अब हम यहाँ पे ऊपर वीनस के प्लैनेट में पढ़ेंगे. वीनस हमें कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो उसके आगे देखें यहाँ पे पी लिखा है, पोजिशनल स्टेटस. किसी भी ग्रह को अगर पोजिशनल स्टेटस होता है तो वो अपना रिजल्ट अपने थ्रू भी देगा और अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू भी देगा. तो हमने देखा कि भाई शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, सब उसका शुक्र है और सब सब उसका मरकरी है. अब हम सूर्य को यहाँ पे कस्पल पोजीशन में नोट करेंगे. रुकिए मैं यहाँ पे आपके लिए नोट पैड खोल रही हूं ताकि हम इसको नोट कर सकें. हमने देखा कि भाई आपको सबको दिख रहा है नोट पैड, तो प्लीज स्क्रीन पे जरा थम्स अप कर दें. नोट पैड सबको दिख रहा है? ओके. हमने देखा कि भाई सूर्य उसका एनएल है. अब उसका एनएल जो है आपका कौन कौन से कस्प में अपीयर हो रहा है? खाना नंबर 2 में आ रहा है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है और 12 में भी नहीं है. अब हमें मिल गया कि ये वाले जो घर हैं, ये इनके इन्वॉल्व हाउस हैं, यानी 2, 6, 9 भाग्य, नौवा घर, छठा घर काम का, दूसरा घर पैसे का. इनका क्वेश्चन भी यही था. तो हमको यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि सामने वाले का क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, ये इन्वॉल्व हाउस हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. शुक्र का जो सब है वो शुक्र ही है. अब हम शुक्र को देखेंगे. शुक्र की पोजीशन क्या है? शुक्र की पोजीशन अगर आप देखो चार्ट में, तो आपको यहाँ पे दूसरा घर दिखेगा. तो भाई शुक्र उसका दूसरे घर में है. अब आप शुक्र को यहाँ पे ढूंढे, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथे में नहीं है, पांचवे में शुक्र है, छठे में शुक्र है, सातवें में शुक्र है, आठवें में शुक्र नहीं है, नौवें में शुक्र नहीं है, दसवें में शुक्र है और ग्यारहवें में शुक्र नहीं है, बारहवें में शुक्र नहीं है. ये हमारे कमिट हो गए, ये हाउसेस हमारे कमिटमेंट के हाउस हो गए. अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे आपको कंफर्मेशन आएगी. फाइनल कंफर्मेशन कौन दे रहा है? ये दे रहा है बुध. आपने बुध को लिखा, आगे चले, ये आपका SSL है, यानी सब सब लॉर्ड है. आपने बुध को ढूंढा, बुध तीसरे खाने में है, बुध चौथे खाने में है, बुध पांचवें खाने में है, बुध छठे खाने में है, बुध सातवें खाने में है, बुध आठवें खाने में है,
बुध नौवे खाने में भी है, दसवें में भी है और ग्यारहवें और बारहवें में भी है. नौ, दस, ग्यारह, बारह. अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था जो प्राइमरी कस्ट था इनका, वो था सेकंड हाउस से रिलेटेड. हमारा जो क्वेश्चन था वो सेकंड हाउस से रिलेटेड था. हमने देखा कि नक्षत्र लॉर्ड ने दूसरे को इन्वॉल्व किया और शुक्र ने, जो सब लॉर्ड था, उसने दूसरे से कमिट भी किया कि भाई हाँ पैसा आएगा. फिर सब लॉर्ड ने यहां पे उसको नहीं दिखाया. यानी सब लॉर्ड ने हामी नहीं भरी कि भाई पैसे की पोजीशन खराब रहेगी. अब वो क्या कह रहा है हमें? सपोर्टिंग कस्प दूसरे घर का क्या होता है? दसवां होता है, छठा होता है. यानी अगर ये अपना काम कर रहे हैं तो इनको बिजनेस छोड़ के नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि वहां से इनको इनकम, बनी हुई इनकम आए. इनके खर्चे ज्यादा हैं, जितना ये कमाते नहीं उतना खर्चे में जाता है. सर्विस करने की इन्होंने बहुत बार कोशिश करी, नेगेट हुआ, यानी मन नहीं माना. मनीषी आप बताओगे हमें? मैडम एकदम परफेक्ट है. मैं तो पहले 10 साल तो मैंने नौकरी की भी, लेकिन वहां पे कुछ भी मेरा, यानी कि यू नो, एक इंसान का प्रोफेशनली अगर कुछ भी अगर आगे पढ़ने की ये करे तो वहां पे तो कुछ भी स्कोप भी नहीं था. और ऊपर से इंसल्ट्स एंड सब काम, यानी कि सब काम करने के बावजूद भी यू नो जो रिटर्न्स चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलते. अगर आप यहाँ पे देखो तो इनका सातवां घर भी इन्वॉल्व हुआ यहाँ पे. कमिटमेंट सातवें घर से हुई, लेकिन यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन में सातवें का बारहवां भी आया. आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई. अगर मनीष जी अगर आप शादी कर लेते तो शायद ये किस्मत पलट जाती थी. अभी भी टाइम है, शादी कर लीजिए. लेकिन होना चाहिए ना मैडम. मैंने आपको लाल किताब के अंदर भी तो मैंने बताया मैडम आपको, अभी तक तो 2 दिन पहले की तो बात मैंने बताई लास्ट वीक आपको. अभी उसका आपको पता मनीष जी, आप मुझे पता है आप बेसिक की क्लास में है मेरी. आप जो है अब आपको पता चल गया कौन सा प्लेनेट है जो आपका हेयर फेयर कर रहा है. हाँ वो तो वैसे ही, तो ये बुध का भेद तो वही वीनस को ही पकड़ के रखा है ना उसने, तो हाँ. तो वो गोलियां भी बना के रख दी है मैंने सब. उसका असर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक है. अभी आपको अब आप बुध का उपाय कीजिए, बुध का उपाय आपको मालूम है, हो जाएगी. ठीक है चलो देखते हैं मैडम. थैंक यू जी. जॉन जी पूछे. नमस्ते दीदी. नमस्ते. हम लोग तो नक्षत्र के बारे में तो कुछ नहीं मालूम है. अगर ये आप जो क्लास लेते हैं तो उसमें क्या नक्षत्र भी बताएगा क्या? जी सर, आपको पूरा बेसिक से बताया जाएगा. पहली क्लास बेसिक की होगी, उसमें नक्षत्र के बारे में, क्यों वो नक्षत्र पूरा दिन स्टे करता है, नक्षत्र कहाँ से आता है, वो सब बताया जाएगा. और हम लोग के पास तो ये सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो हम लोग कैसा करेगा ये? सर फ्री सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज का. मैं जब मोबाइल रहती हूँ तो मैं उसी से काम करती हूँ. ये सॉफ्टवेयर मेरे पास मेरे इसी में रहता है कंप्यूटर में, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप इस पे अपने फ्री सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज से भी कर सकोगे. ऐसा पूरा आता है क्या जो? हाँ जी हाँ जी, तो सब आता है. केपी तो हम लोग नहीं किया. नहीं, आपको केपी की भी इसमें नॉलेज मिलेगी. हम केपी से भी आगे जा रहे हैं इसमें. लेकिन केपी नहीं किया, इसका वजह से हम लोग को प्रॉब्लम तो नहीं पड़ेगा ये कोर्स करने के लिए? वही पूछना था. नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं पड़ेगा. अच्छा थैंक यू जी. राजेंद्र जी पूछे. नमस्कार. नमस्कार मैडम जी. मैं भी पूछ सकता हूँ क्या? जैसे मेरे को हेल्थ का और थोड़ा
इनकम का या कैरियर का थोड़ा शुरू से दिक्कत रहा। जी कोई बात नहीं, मैं सबके क्वेश्चंस ले लूं फिर आपके पास आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, यही जी। रुमिला जी पूछे। मैम मुझे करियर के बारे में पूछना था अपने बेटे के लिए, जैसे उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उसको हम ये पता कर सकते हैं कि वो फाइनेंस में जाएगा या कलनरी स्किल की लाइन में जाएगा। फाइनेंस की और दूसरी लाइन कौन सी? कलनरी स्किल। शेफ मैं आप लोगों के सामने इनके क्वेश्चन का सिर्फ छोटा सा ही एक आंसर दूंगी। इन्होंने अभी सवाल किया, मैंने प्रश्न कुंडली लगाई। प्रश्न कुंडली में उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूं, अब कि भाई वो कौन सी फील्ड में जाएगा। हमने यहाँ पे वापस से एसेंडेंट का वो देखा, सब सब लॉर्ड यहाँ पे शनि बनता है। शनि जो है वो यहाँ पे मंगल के स्टार में है, सब उसका बुध है और सब सब सूर्य बनता है। सूर्य को हम यहाँ पे पहले घर में देखा कि सूर्य पहले घर में हमें दे रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन काम किसने करना है, लगन ने करना है। भाई प्रोफेशन किसने करना है, लगन ने करना है। तो लगन यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे पहला घर इन्वॉल्व होता है, दूसरा घर नहीं है, तीसरा घर यहाँ पे नहीं है, चौथा घर भी नहीं है, पांचवा में आया कि भाई हाँ सूर्य आते हैं, उसके बाद छठे में नहीं है, सातवें में नहीं है, आठवें में भी नहीं है, नौवें में भी नहीं है, दसवें में भी सूर्य नहीं है और ग्यारहवें में भी नहीं है और बारहवें में भी नहीं है। आपने पूछा कि भाई आपका बेटा जो जाएगा वो कलिनरी उसके अंदर ही जाएगा, क्योंकि पांचवें घर से वो बता रहा है जो उसको सबसे ज्यादा वो ही पसंद है। एक मुझे बात बताएं रुमिला जी, आपके बेटे को गाने सुनना टीवी देखना बहुत पसंद है? आई थिंक हाँ, म्यूट अनम्यूट करके बात करें। हाँ जी मैम, उसको पसंद है गाने हाँ, सुनना जी, और तो जो बहुत इंटरेस्ट है उसका। हाँ तो उसी में ही जाएगा वो। फाइनेंस के लिए इसके लिए फील्ड मतलब स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंस के लिए इसके लिए नंबर्स नहीं आते, ये इसका दिमाग घूमता है नंबर्स को देख के। नंबर्स को देख के तो नहीं घूमता, लेकिन थ्योरी को देख के घूमता है, थ्योरी नहीं होती नंबर्स के तो वो है ना कि ये बच्चा जो है अपने मन का मौजी है, इसलिए इसको जहाँ जो चाहता है उसी को उसी में जाने दीजिए, क्योंकि जो प्रश्न कुंडली कह रही है वो इन्वॉल्व हाउसेस भी हमें वो ही दिखा रहे हैं। कलनरी स्किल इसके लिए बेटर है फाइनेंस जी। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। दीपेश जी। मैम मेरा सवाल था, मुझे पूछना था कि कैन आई बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर। ये सवाल तो यहाँ पे सब लोगों का हो सकता है, तो लेट्स सी कि इसको सबके लिए टेस्ट करते हैं कि भाई जितने भी यहाँ लोग हैं उनमें से जिस जिसके मन में ये सवाल है, तो सबके लिए मैं ये टेस्ट अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। हमने दोबारा प्रश्न कुंडली खोली, सवाल था, मैं शेयर कर रही हूं स्क्रीन। हमने दोबारा प्रश्न कुंडली खोली, सवाल था कि भाई कैन आई बिकम अ सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। अब जिसने ये सवाल पूछा है उसने अपने बारे में पूछा है। यहां पे आप देखोगे कि कस्प वन, फिर से हमने देखा कि भाई सब सब लॉर्ड सूर्य आया, सूर्य का जो सब सब लॉर्ड आया शनि बनते हैं। क्या शनि हमें वो घर दिखा रहे हैं? शनि हमको ये घर तीसरा घर दिखा रहे हैं, चौथा घर दिखा रहे हैं, पांचवा घर दिखा रहे हैं और छठा घर दिखा रहे हैं, सातवां घर दिखा रहे हैं, आठवां दिखा रहे हैं और बारहवां दिखा रहे हैं। यानी इनके सवाल का जवाब ये आया कि भाई अपने परिश्रम से मेहनत करके आप अपनी बन सकते हैं,
लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें 12वां घर भी दिखा था। ठीक है दीपेश जी? जी मैम, सो आई कैन बेसिकली इवन प्रैक्टिस इट आफ्टर लर्निंग इट। करेक्ट। एंड एज यू सेड कि पैसा खर्चा पड़ेगा, तो पैसा किस बेसिस पे, कि गलत गुरु मिलने वाला है? या नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज को वास्ट करने के लिए आप उसमें व्यय करेंगे, मतलब वो पैसा वहां खर्चा जाएगा। अच्छा, ओके जी। पर मेरी 2 साल से एक गुरु की तलाश है, कब होगी वो खत्म? सर यहाँ पे और भी लोग लाइन बैठे, तो मैं जरा उनके क्वेश्चंस ले लूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू जी। राखी जी पूछे। गुड मॉर्निंग मैम जी। मैम हम यही कह रहे थे कि जैसे आपने ना हमारे लाल किताब का बेस है, ना हमारा एस्ट्रोलॉजी का बेस है, और जो से आपने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है SL SSL, वो तो आपने चलो जो चीज बताई है वो मेरे को क्लियर हो गई, बट क्या हमारे को आगे जाके बिल्कुल भी कोई भी बेस नहीं है, तो हमारे को ये चीज अभी रुके करनी चाहिए? क्योंकि इसमें जो है आपको कोई भी वैदिक की बेस नहीं चाहिए या लाल किताब की बेस नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो थ्योरी है ये अपनी अलग ही पद्धति है, इसको आप जितना स्क्रैच से लर्न करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट हो, बल्कि इसको सीखने के बाद आप और चीजें आगे आसानी से सीख जाओगे। तो जैसे कहीं बार आप कैलकुलेशन इस वाले बॉक्स में देख रहे हैं, कहीं बार इस वाले बॉक्स में देख रहे हैं, तो हम इसकी नोट्स के थ्रू मिलेंगे? हाँ नहीं, वो आपको सब सिखाया जाएगा। ओके ओके मैम। तो वैसे मैं पर्सनल कोई प्रेडिक्शन क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी, या अभी टाइम नहीं है तो शॉर्ट में आप किसी की? अगर कोई एक क्वेश्चन है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बस यही देखना था कि मैम हमारा कोई फ्यूचर, अपना करियर भी है, मतलब हस्बैंड का जो है वो अलग होता है, बट अपना भी कुछ है कि कभी किसी भी फील्ड में, चाहे ऑक्वर्ड में जाए, चाहे किसी और चीज में। आपके लिए मैं प्रश्न कुंडली लगा रही हूँ। यहाँ पे सब नोट करें कि चंद्रमा इनका कौन से घर में आया है। 10वें घर में चंद्रमा आता है। इनका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपने प्रोफेशन के बारे में पूछने की कोशिश कर रही हैं। अब हम यहाँ पे कस्प 1 में देखेंगे कि गुरु SSL गुरु बन के आते हैं। गुरु के जो सब लॉर्ड होंगे वो चंद्रमा वापस से बनते हैं। हम चंद्रमा को देखते हैं 2रे घर में है, चंद्रमा इनका 6ठे घर में है, चंद्रमा इनका 8वें घर में है, चंद्रमा इनका 10वें घर में है, चंद्रमा इनका 11वें और 12वें घर में है। तो मैं राखी जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जो है बहुत बहुत टाइम से इस चीज को कोशिश में है कि भाई मैं इस फील्ड में अपना कुछ कर सकूं, या इंटरेस्ट आपका इस फील्ड में ज्यादा है। दूसरा, आपको सर्विसेज, यानी सर्विसेज से आपका प्रोफेशन चलेगा, यानी किसी को सर्विस देना, तो आपको वो फील्ड चूज करनी है जिसमें आप किसी को सर्विस कर रहे हो। जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो हम सर्विस दे रहे हैं, या आप किसी सर्विस क्या होती है कि भाई आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो ऐसे में आपका करियर चलेगा जी। मैम कभी हमने मतलब सर्विस तो मेरे को पर्सनली कम पसंद है मतलब, लेकिन सर्विसेज देना एक अलग बात हो जाती है जैसा आपने बताया है। तो मतलब मैंने अभी वैसे किसी को प्रोफेशनली कोई हीलिंग भी नहीं करती, मैं और हीलिंग कोर्सेज में हूँ, तो वैसे अभी मैंने कभी मतलब ऐसा कभी जैसे फैमिली से वो थे तो अभी तक ऐसा सोचा नहीं है। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन किया वो ये किया कि क्या मैं अपना करियर बना पाऊंगी, तो हमें जो आंसर मिला वो ये मिला कि भाई हाँ आप अपना करियर बना पाओगे, लेकिन आपको सर्विसेज से ही रिलेटेड अपना करियर बना। अब वो सर्विसेज और 8वां घर भी इन्वॉल्व है, तो ऑकल्ट साइंसेज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे डिजाइनिंग लाइन में भी है मैम, अगर हम कुछ करना चाहें? डिजाइन लाइन में भी है। तो स्टेट ऑफ माइंड कब चेंज होगी? जैसे अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को भी कुछ करना ही है कि पैशन ही रहेगा। तो वो जब आप आगे हम उतरेंगे तो वो जब उससे आपका हमें पता चलता है।
जी तो मैं एक कोर्स ज्वाइन कर लूं, मेरे को आगे मैम प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? मतलब जैसे बेस नहीं, तो आपने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, हम आपको पूरा स्टार्ट से ही बताएंगे। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, पूरी जर्नी आपको, और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को करेंगे, रूल्स इन आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाएंगे, एक एक रूल को कहाँ लगाना है, कहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो सब आपको हाथ पकड़ के पूरा कोर्स सिखाया जाएगा। ओके थैंक यू मैम। जी स्वाति जी पूछे। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम आपकी सिखाने की जो मेथड है बहुत इजी है, मतलब मुझे थोड़ा ही केपी का पता था, इजीली सब समझ आ गए जो भी आपने बताया। जी थैंक यू सो मच स्वाति जी। हाँ तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है मैम, कि मैं जॉब में तो हूँ लेकिन मेरे गवर्नमेंट जॉब का काम होगा क्या, बस इतना पूछना। ये गवर्नमेंट जॉब का जो क्वेश्चन है ना, ये काफी क्वेश्चन आता है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, लेट्स सी कि गवर्नमेंट जॉब इनको, आपने ट्राई कर रहे हो आप गवर्नमेंट जॉब? हाँ तो जॉब में हूँ लेकिन मैं, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं हूँ, परमानेंट हूँ, नॉन ग्रांट पे हूँ, वो गवर्नमेंट का पूछना था। अब फिर से हम देखते हैं कि सब सब लॉर्ड बुध बन के आता है, बुध को हम देखेंगे कि बुध का जो कनेक्शन है वो चंद्रमा से हो रहा है, नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है उनके, केतु सब लॉर्ड है और सब सब लॉर्ड यहाँ पे गुरु बनते हैं। इस कस्प पोजीशन में हम गुरु को यहाँ पे ढूंढते हैं, गुरु चौथे घर का आता है, गुरु पांचवें घर से, जो ये शुरू में जब गुरु यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बहुत ही बहुत माइन्यूट कि किस्मत काम कर सकती है लेकिन बहुत कम पोजीशन पे, पांच छठे घर में नहीं है, सातवें घर में भी नहीं है, आठवें घर में फिर गुरु माइन्यूट उस पर है, नौवें घर में भी गुरु नहीं दिख रहे हमें, दसवें घर में हमें गुरु सब लॉर्ड की पोजीशन पे दिख रहे हैं, यानी वो कमिट तो कर रहे हैं कि भाई हाँ। उसके बाद हमें गुरु बारहवीं पोजीशन पे दिख रहे हैं। तो स्वाति जी ये आंसर तो ना में आ रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके मैम कोई बात ना, एक्चुअली मैं कर सकती हूँ लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा माइंड चेंज हो जाता है और मैं कर नहीं पाती हूँ। जी तो आज की कंडीशन है तो आपने सही आंसर दिया है। हाँ तो कोशिश करें आप कि भाई अगर आप केसर का तिलक लगा के ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम हो जाए तो आप राजीव जी के पास मैसेज जरूर छोड़िएगा। ओके मैम थैंक यू जी। जी रंजना जी पूछें। मॉर्निंग मैम। मैम मुझे भी अपने बेटे का वो करियर के बारे में थोड़ा पूछना था। जी क्या क्वेश्चन है आपका? वो एक्चुअली वो साइंस लेके, लाइफ साइंस लेके चल रहा है अभी, तो वो आगे मैंने मास्टर्स और पीएचडी वगैरह करेगा कि मतलब कैसा रहेगा, मैनेजमेंट वगैरह में चला जाएगा? आपके सामने मैं प्रश्न कुंडली खोल रही हूँ। इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो इनका बेटा बड़ा बेटा है आपका, पहली संतान है? हाँ मैम एक ही बेटा है। हाँ तो पांचवें घर का सब सब लॉर्ड, हम और शॉर्टकट में चले जाते हैं, गुरु को देखते हैं, गुरु यहाँ पे बनते हैं, गुरु का जो सब सब लॉर्ड है यहाँ पे बुध, गुरु का सब सब लॉर्ड चंद्रमा बनता है, चंद्रमा दूसरे घर का है, चंद्रमा जो है वो आपके पांचवें घर का आता है, छठे घर का आता है, सातवें में आ रहा है, आठवें में आ रहा नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आगे इसको परस्यू, मतलब कि इतना डीपली नहीं जाएगा जो आपने क्वेश्चन किया। ओके तो मैम मतलब मैनेजमेंट और ये सब भी चला जाएगा? जी ओके जी थैंक यू मैम थैंक यू। जी पाल सिंधु जी पूछें। हेलो। हाँ जी हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। जैसे हम केपी से देखते हैं कि फर्स्ट और सेल्फ है, सेकंड और अपना पैसे का, ऐसे ही देखना इसमें भी? नहीं, इसके अंदर हमारे थोड़े से रूल्स बदल जाते हैं, तो वो रूल्स भास्करन थ्योरी के थोड़े अलग हैं, हम केपी से आगे बढ़ जाते हैं इसके अंदर।
कस्प प्राइमरी कस्प और स्पोर्टिंग कस्प सेम रहते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशंस में थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं पाल सिंधु जी। अच्छा मैम, जैसे प्रोफेशनल का हम 10th हाउस और 6th हाउस देखते थे अपना केपी में, इसमें अलग होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, इसमें भी आप 10th हाउस ही देखोगे, लेकिन प्रोमिसेस जो है हमारा तरीका प्रोमिसेस को देखना उस बंदे के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये हिट थ्योरी जो कंसेप्ट होता है फिर? नहीं नहीं नहीं, ये हिट थ्योरी भी नहीं है। हाँ, ये लिंकेजेस हैं, तो हम लिंकेजेस के थ्रू पूरे आंसर्स को लेते हैं। ओके मैम, ये 5 दिन की क्लास है के दो मंथ्स की है? जो 2 महीने का कोर्स है ये, वहाँ 5 दिन का लिखा था तो मुझे यही कंफ्यूजन थी। नहीं नहीं, ये 2 महीने का कोर्स है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम जी। मिलन जी पूछे। नमस्ते मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नाडी नक्षत्र, आई डोंट नो मोर ऑफ नाडी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट डू केपी, तो जी भास्करण थ्योरी करने के लिए केपी पढ़ना पड़ेगा या भास्करण? जिनको यहाँ पे केपी नहीं आती है उनको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की केपी को, हम यहाँ से स्टार्ट स्क्रैच से बताएंगे, तो उसमें आपका, क्योंकि हम केपी से आगे चल रहे हैं, हम केपी तक नहीं रुक रहे। नहीं, केपी आता ही नहीं, करना भी नहीं चाहता हूँ, नाडी नक्षत्र में आई एम हैप्पी, बट दिस सीम्स टू बी मोर प्रिसाइज, सो आई थॉट आई वुड डू इट। बट द सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हेन यू से द सब सब लॉर्ड और उसका प्लैनेट का मोमेंट जो है 25-30 सेकंड में आगे पीछे होता है, तो टाइम ऑफ बर्थ बिकम सो क्रूशियल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू। करेक्ट, इसमें जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिलन जी का। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इसमें हम BTR टू द पॉइंट करना, मैंने पहले ही कहा था कि बच्चे की नाल कब कटी, आपने कब पहला सांस लिया, हम वहां तक पहुंचेंगे। आप अपने कंसीविंग की डेट भी, कि भाई आपने, आप कब अपने माता के पेट में आए, वो भी आप डेट जान सकते हो, तो हम इतना प्रिसाइज उतर जाते हैं। तो ज्यादातर अगर BTR नहीं कर पाते हो जेनेटल लिंकिंग से, जो जेनेटल लिंकिंग से BTR होता है तो बहुत बढ़िया होता है, दैट्स माय एक्सपीरियंस, तो शायद ये थ्योरी हम भी यहां पे करते हैं। हां, वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता है तो फिर प्रश्न में ही भास्करण थ्योरी बहुत बढ़िया चलेगी। जी बिल्कुल, होरारी और इंस्ट प्रश्न कुंडली में ही आप सारे जवाब दे पाओ। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, सो आई विल ज्वाइन बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डू केपी एंड आई थॉट दैट दिस इज वेरी गुड एंड आई डिडंट वांट टू स्टडी केपी समहाउ, बिकॉज़ केपी का बेस जो है ना, केपी का बेस ही वही है कि कस्पल सबलॉर्ड देख के, एक सबलॉर्ड देख के वो पूरी उसकी मैरिज की हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल 7th कस्पल सबलॉर्ड देख के देखते हैं। और उसमें मिलन जी, उसमें कभी कभी ये होता है कि हमें प्रॉमिस नहीं देता प्राइमरी कस्प, तो हम सामने वाले को कह देते हैं शादी नहीं होगी, लेकिन उसका बेटा या बेटी, हाँ। और क्या होता है कि इतना बड़ा डिसीजन देना कोई मजाक नहीं है कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, एक कस्पल सबलॉर्ड देख जी। तो आई विल अटेंड द कोर्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू मिलन जी, थैंक यू। सॉरी, आपका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, 1XPC, क्या अपना नाम बताएंगे प्लीज? हाँ, मेरा नाम भानु है जी। हेलो, हाँ पूछना चाहती हूँ, प्लीज कैमरा ऑन करके बात करें, आपके सबके क्वेश्चन, प्लीज कीप योर कैमरास ऑन व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन, थैंक यू, प्लीज कीप योर कैमरास ऑन जी। भानु जी, थैंक यू जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी कब होगी, उसका कैरियर कैसा है? एक सेकंड भानु जी, एंड ये जो क्वेश्चन ना, इट्स वेरी जनरल, लाइक मेरे बच्चे का कैरियर कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसा रहेगा, आई थिंक दिस विल बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सेशन जी, ने भी लिए काफी सारे एग्जांपल लिए, दिस इज अनदर एग्जांपल, आई रिक्वेस्ट नॉट टू टेक दोस क्वेश्चन, ये बहुत ही पर्सनलाइज क्वेश्चन है, इसकी आपको कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप एक छोड़ो दुनिया के बच्चों को बता पाएंगे, तो लर्न द कंसेप्ट, एंड ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चा का कैरियर कैसा है, आई मीन दिस इज अनएंडिंग, सो आई रिक्वेस्ट टू लर्न द कंसेप्ट और जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ड्यूरिंग दिस जर्नी आल्सो, थैंक यू, प्लीज गो अहेड, ओके थैंक यू सर। हमने तब तक तो देख लिया कि शादी भी हो जाएगी इनके बेटे की और करियर भी अच्छा चलेगा, तो इनको फिकर करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जी, दिस इज मास्टर्स आंसर, जितनी देर में वार्तालाप हो उतनी देर में आंसर निकाल जी। कैलाश जी पूछें। मैडम नमस्ते।
नमस्ते। मुझे एक ही पूछना, मेरा दोस्त है, उसने लड़की ने है ना फ्लाइंग किया है, अब इसको टाइपराइटिंग के लिए जाना है आउट ऑफ इंडिया, क्या इंडिया वो जा पाएगी क्या? टाइपराइटिंग मींस हायर स्टडी ऑफ एयरक्राफ्ट पायलट। आपने केपी करी हुई है, उससे क्या जवाब आ रहा है आपको? आज मैंने देखा नहीं है सच्ची, सच्ची पहले आप देख लो, फिर हम आगे इस क्लास में देख लेंगे। क्लास जी अपनी लर्निंग यूज करो। ओके, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया लर्निंग पे, उसको यूज करो पहले। ओके मैम, चलेगा। तभी जो मेरे सामने बैठा है इसके लिए मैं बोला, नीचे खड़ा है तो आप आंसर दो ना, सामने बैठा तो ठीक है सर, नहीं होगा तो फिर लिया रहे यार, चलेगा। चलिए मेघना जी, मेघना जी। हेलो मैम जी। मैम माय क्वेश्चन इज के मतलब आई वांटेड टू डू एडवांस इन लाल किताब, आप क्या रेकमेंड करेंगे, बास्टन थ्योरी या एडवांस लाल किताब का? मैम बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अगर आपको बढ़ना है, यू वांट टू बी ए स्ट्रांग प्रोफेशनलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, दोनों अपनी जगह स्टैंड करती है, चॉइस इज योर्स। ये अपनी जगह बहुत CIL बहुत अच्छा स्ट्रांग कंसेप्ट है, CIL वन ऑफ द वेरी स्ट्रांगेस्ट कंसेप्ट है। Because ma'am, you started off by saying that, you know, isme twins ka, because papers usually issues twins ki kundli mein hi aata hai. So that's why, so twins ke liye you are recommending Bhaskaran theory, right? हाँ जी बिल्कुल, और भी काफी चीजें हैं, जैसे अभी हमने कहा कि भाई हम लाल किताब से तो वर्ष फल देख लेते हैं, आपको महीना कुंडली भी आ गई, आपको दिन कुंडली भी आ गई, तो आप जब आपको यहाँ से वो प्लैनेट मिलेगा फिर उसकी प्लेसमेंट आप लाल किताब में चेक कर सकते हो ना, तभी आप उपाय भी दोगे सटीक। परफेक्ट, ठीक है जी। ओके थैंक्स मैम। ज्योति जी अपना कैमरा ऑन करें प्लीज, जिनका कैमरा ऑन है मैम, ज्योति मिताली जी का कैमरा ऑन है, मिताली जी अनम्यूट है, मिताली जी अनम्यूट है। हेलो मैम जी, हेलो, बात करें, नाम बताएंगे प्लीज। मिताली जी, हाँ मिताली जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करूंगी। और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे आपने बोला कि सेम कुंडली है, अभी मेरे जन्म के वक्त बहुत सारे लोग भी जन्म में रहेंगे तो सबका सेम कुंडली नहीं चलेगा, तो इसके लिए ये बात बराबर ना, सेम कुंडली है सबका लेकिन सबका सेम ही भाग्य नहीं रहेगा, तो ये इससे मालूम पड़ जाएगा अपने को। अच्छा, तो ये जस्ट लाइक होरारे जो केपी में होरारे रहते हैं सेम टू सेम वैसे ही, लेकिन थोड़ा ये माइन्यूट में है। इसके अंदर तो बहुत कुछ है, इसके अंदर तो आप बिल्कुल बहुत डीप जाओगे, मतलब आप मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप पूरा इवेंट के घंटे या मिनट तक उतर सकते हो। अच्छा मैम, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैम? जी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैंड रेज हैं, तो अगर टाइम लगता है तो आप तो कोर्स में आ रहे हो तो आप वहीं पे पूछ लीजिएगा। हाँ, चलेगा मैम, चलेगा, ये कभी चालू होने वाला है मैम, अभी लाल किताब खत्म होने के बाद में सीधा। Yes, next Sunday से start होगा। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिताली, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। जिनजीत के कैमरास ऑन है, आई एम टेकिंग द क्वेश्चन, यहां पे विवान जी का, विवान जी आपका कैमरा ऑन है, अपना क्वेश्चन बोले। यस एक्चुअली आई एम ड्राइविंग, इसलिए वो प्रॉपर वो नहीं आ रहा है मैम। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि आई डोंट नो एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी समथिंग, राइट? तो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हमें आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, तो मैम मुझे थोड़ा सा सीखना है, मुझे इच्छा है सीखने की, बट मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या चालू करना है, कहाँ से चालू करना है, आई डोंट नो एनीथिंग, तो शुड आई गो फॉर दिस और व्हाट यू सजेस्ट? सर ये वाला कोर्स आपको आसान पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्क्रैच से एक तो सिखाया जाएगा, प्लस इसके लिए आपको बैकग्राउंड की नॉलेज की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ मैं, पक्का। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। रोहित जी ने अपना कैमरा ऑन किया, रोहित जी आपका अपना क्वेश्चन पूछे। हेलो मैम जी। हेलो रोहित जी। मैम मेरे को
मैम मेरे को यही पूछना है, मेरे को अकल्ट साइंस में आना है और प्रोफेशनली आना है, क्योंकि अभी मैं जो बिजनेस करता हूँ आई एम डूइंग अलोंग विद माय ब्रदर, और अभी मेरी फैमिलीज एक्सपैंड हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में मैम खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैम मैं लाइक मैं मेडिटेटिव हूँ, वैसे तो पूजा पाठ भी करता हूँ, मेडिटेटिव भी हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और रेकी भी मैंने सीखा हुआ है, तो मैं एज अ हीलर या एज अ अकल्ट मेरे को आना चाहिए नहीं आना चाहिए मैम, मेरे को ये इसकी गाइडेंस आप दीजिए, मेरे को कोर्स करने हैं आगे। सर इनका जो क्वेश्चन है ना, एक बार सबके सामने प्रश्न इंस्टा प्रश्न कुंडी से हम लोग खोल रहे हैं, फटाफट जवाब दे दूंगी मैं। ये एक बार पहले भी लग चुका है और ये दूसरी वाला का ये सेम क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर के विषय में किसी ने बात किया था, सॉफ्टवेयर जो एस्ट्रो सेज है वो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, बट दिस इज टू एस्ट्रोलॉजी, तो टू एस्ट्रोलॉजी मतलब अगर किसी कंप्यूटर पे कर रहा है तो टू एस्ट्रोलॉजी कंप्यूटर पे ही चलता है, प्ले स्टोर पे नहीं चलेगा, तो ये पेड सॉफ्टवेयर है और जो लोग पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे वी विल हेल्प देम टू अरेंज टू एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ टीपीएनसी इंटरनेट। सर आप कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े कुछ साल लगेंगे, लेकिन आप इसको चीज को आगे परस्यू कर पाओगे। अच्छा मैम, तो मैम जैसे आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, तो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग टाइम मैम, क्योंकि मैं तो अभी प्लान कर रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए इसको। हाँ तो आप अभी स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको यहाँ से जो जर्नी होगी आपकी, एटलीस्ट वो कम से कम कि भाई एक से डेढ़ से दो साल की आपकी जर्नी रहेगी, क्योंकि जो प्लैनेट मुझे मिला वहां पे वो सैटर्न मिला, तो सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, और आप इसमें बहुत टाइम से सोच रहे हो, पिछले 6 महीने से आप इसमें, आपका जो मन है ना रात को भी कभी कभी सपने में भी आप यही देख रहे होते हो। नहीं नहीं मैं हीलर नहीं हूँ, मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो लाल किताब और इसी केपी और इससे ही है, मैं हीलिंग नहीं करती, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ मैम, लाइक मैं एज अ आप दोनों फील्ड्स में करोगे, आप एज अ हीलर बहुत अच्छे रहोगे और इसको जो है आप उसके अंदर जैसे होता है ना कि प्लस पॉइंट हो जाता है कि हीलिंग में भी आप इस चीज को यूज कर सकोगे। अच्छा, क्योंकि यू आर अ वेरी सॉफ्ट हीलर, वो वहां पे प्लैनेट चंद्रमा दिखा रहा था जी, पेशेंस बहुत है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रोहित जी, थैंक यू। हां जी मैम, हां जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आई थिंक आपका आंसर इज गिवन बाय नीति जी, ठीक है, थैंक यू। आप करें इसको, मतलब इफ यू आर लुकिंग टू बी इनटू द करियर ऑफ द ऑकल्ट साइंसेस, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हां जी राइट, जिनके कैमरा ऑन है ऋतु जी, आपका कैमरा ऑन है, प्लीज आस्क, कीप द कैमरा ऑन प्लीज ऋतु जी। मैम नमस्ते। नमस्ते ऋतु जी। मैम ये पूछना था कि ये मतलब पहले बेसिक है फिर एडवांस, दो लेवल है क्या इसमें? नहीं नहीं, इसके अंदर आपको जो एडवांस है वो तो लेटर आएगा, इसमें आपको जिसको नॉलेज नहीं है हम स्क्रैच से शुरू करेंगे ये कोर्स, मतलब इसमें दो लेवल होंगे, एक करने के बाद फिर दूसरा भी करना पड़ेगा प्रॉपरली, जैसे लाल किताब का अपना बेसिक था एंड देन एडवांस था। लाल किताब इज अ, वो तो देखो पंडित जी ने जब 6 किताबें लिख दी तो हम उसको कैसे बेसिक में खत्म कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें लेवल्स के लिए जाना ही पड़ता है ना, तो इसमें जो है ये आप इसको कितना आगे लेके जाना चाहते हो ये आपके ऊपर होगा, लेकिन बेसिक भी इट्स अ गुड इनफ। तो मैम जैसे कोई आता है, जैसे एक कस्टमर आए मेरे पास, उनके पास ना उनका टाइम वगैरह कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो पुराने जमाने में होता नहीं था, और फिर भी वो कह रहे हैं कि आप मेरा कुंडली निकाल के मेरे बारे में बताओ, तो लाइक इसमें हेल्पफुल होगा? हाँ बिल्कुल, उसके लिए ये परफेक्ट है, फिर आपने तो लाल किताब एडवांस बेसिक दोनों किया हुआ है, तो आप उपाय भी उनको वहां से दे सकोगे। ओके मैम जी, ठीक है मैम, थैंक यू। ऋतु सिंह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो मैम जी,
मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और मेरे परिवार में इतने लोग हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो हम अपना कैसे कुंडली देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हमारे क्या चल रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो आप जैसे हम इस थ्योरी में हम होरारी जब करते हैं, होरारी से आप अच्छे से जान सकोगे और उसमें वेरिफिकेशन वगैरह सब होती है। तो जिनके पास कुंडली नहीं है, इस विद्या के माध्यम से आप काफी अपना फ्यूचर जान सकते हो। अच्छा मैम, क्या नाम बताया? भास्कन थ्योरी, जिसके अभी वेबिनार चल रहा है, इसी से मैं जान सकती हूँ बिना मेरी डेट ऑफ बर्थ के? जी, और ये आपके जैसे जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ऐसे काफी सारे लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती या करेक्ट नहीं होती। दिस हेल्प्स। इसके अंदर होरारी एक फीचर है जिससे आप कर सकते हैं, साथ में बीटीआर भी इसके अंदर आएगा, तो उससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जिनके पास करेक्ट डिटेल्स नहीं है या डिटेल्स है ही नहीं इधर, तो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। डिटेल नहीं है या डिटेल करेक्ट नहीं है इधर वे, ठीक है? अच्छा सर। सर एक मेरा भाई है जो कि कहीं भी जॉब करता है तो टिक ही नहीं पाता है, मतलब जॉब भी अच्छी मिलती है उसे, फिर भी वो उसे मन ही नहीं लगता, एक महीना दो महीना फिर छोड़ देगा, फिर एक दो महीना कहीं और करेगा फिर छोड़ देगा, और बीमार काफी रहता है। ये हम करेंगे कवर इसको, जैसे अभी इतने सारे एग्जांपल्स आपने किए, दिस विल बी कवर्ड इन टू द जर्नी। ये अगेन हम पशन कुंडली के थ्रू इसको चेक कर लेंगे, कि जैसे अभी इतने सारे क्वेश्चंस कैंसिल किए, विल डू दैट। इट्स अ कांसेप्ट है, अगर आपको कांसेप्ट एक बार पकड़ में आ गया तो आप अनगिनत नंबर के क्वेश्चंस कंसल्ट कर सकते हो। अच्छा सर, ये कुंडली अलग चीज होती है और जो आप बता रहे होरारी वो अलग चीज रहती है, दोनों उसी का पार्ट है? जी उसी का पार्ट है। उसमें ही हम जिनके कुंडली नहीं होती है या जैसे कि कोई क्वेश्चन प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हम उसको होरारी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मैम, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे हफ्ते भर पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया था और मुझे पता नहीं था कि मतलब कैसे क्या रोकू, एक दो बार हो भी चुका है आगे, तो ये सब पता चल जाएगा, अपन रोक सकते हैं उस चीजों को? देखो रोक नहीं सकते, आपके जो डेस्टिनी में लिखा है हम उसको रोक नहीं सकते, ऊपर वाले ने हमें ये शक्ति नहीं दी, लेकिन हम उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दवाई खा के हम तकलीफ को दबा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन हम मिटा नहीं सकते। जी जी जी। आरंजी जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाय हाय नीति मैम, हाय राजीव सर, हाय आरंजी, कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? After a very long time seeing you. Yeah, after a long time. Very long time. शायद 4-5 महीने हो गए. Yeah, it's really good that you know आपके उसने करने से सब कम से कम एक साथ तो आए. और अभिषेक जी तो हमेशा मिलती है. बस निधि मैम, I am doing very well in this KP. Okay. मतलब काफी जो मैं भी करता हूँ तो उसका रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया आते हैं। आरपी भी करता हूँ, पीटीआर भी करता हूँ, बाकी सारी चीजें बेसिकली आई डू इट, कोर रूलिंग वोलिंग एवरीथिंग आई डू इट। मेरा क्वेश्चन था कि दिस अभी ये वाला जो है, आई नो अभी मैंने जो आपके सवाल सुने दिस इज बेसिकली मच मोर एडवांस यू नो, ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा जैसे जो हमने केपी की हुई है? और ये अपन मैं जो समझा हूँ कि अपन प्रश्न कुंडली और उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसमें कस्प फर्स्ट को अपन ज्यादा फोकस कर रहे हैं, SSL को, तो उसमें तो अपन सिग्निफिकेटर्स वगैरह देखते हैं, जैसे सिक्स्थ हाउस है जॉब का है तो अपन सिग्निफिकेटर्स देखते हैं सिक्स्थ हाउस का, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं होगी? नहीं होगी। इसमें जो है ना, आप सीधा सीधा जैसे इंसान आपके पास आया, उसने आपसे बोला कि मेरी जॉब कब लगेगी। हम केपी में क्या करते हैं, हम सिक्स्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड उठाते हैं, उसका सब लॉर्ड उठाते हैं, करेक्ट? बिल्कुल हाँ। वहां से हम प्रोमिसेस को ढूंढना शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आप हम क्या करेंगे कि भाई आपके पास ये बंदा आया, आप पहले तो उसके एसेंडेंट से लगन से प्रॉमिस देखोगे कि भैया क्या इसके पास जॉब का प्रॉमिस है लाइफ में, ये निकला तो है जॉब करने। वहां से आपको प्रॉमिस अगर जॉब का मिलता है तो आपको नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड तीनों को कनेक्ट करना है, तो वहां से आपको कनेक्शन ये मिल जाता है कि भाई इसको, कई बार आपने देखा होगा आरएनजी कि हमें प्रॉब्लम केपी में कहाँ आती है कि किसी ने पूछा कि भाई मुझे जॉब, उसका सिक्स्थ हाउस आपको कहीं नहीं दिखेगा किसी भी लेवल पे, तो आप उसको ये बोलोगे कि भाई इस पीरियड में तो मुश्किल है तेरी जॉब लगना,
लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो बंदा भूखा मरेगा, कहीं ना कहीं से तो उसका गुजारा होएगा ही ना। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम उसको ये कहते हैं केपी में कि भाई नहीं इस वाली दशा में तेरी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन उसकी जॉब लग जाती है, कितनों की लग जाती है, या शादी नहीं होगी, शादी तो सबकी होती है जो सीरियसली वो है। तो वहां पे कहां जो वो सूत्र वहां छूटता है, हम वो सूत्र को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसे लेवल अप, इसे लेवल अप, क्योंकि कस्टमर इंटरलैकिंग इसे लेवल अप ऑफ केपी। नहीं नहीं वो तो मैं आई कुड एबल टू कोरिलेटेड, मेरा नीति जी से बस ये था, जैसे जॉब का है तो जॉब का तो मैं केपी से निकाल लेता हूँ, सिक्स्थ हाउस का अपन ने एसएल देखा, एसएल का फिर एनएल देखा। लेकिन आरएन जी उसमें कई बार हम लोग छूट भी जाते हैं, जैसे आपने सिक्स्थ हाउस का एनएल देखा, उसका एसएल देखा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगन से प्रॉमिस को देखेंगे, तो वो हमें लगन से प्रॉमिस प्लस दशा का जो प्रॉमिस है, भाई आपका दशा का जो प्लैनेट है, मान लीजिए कि सैटर्न की उसको दशा है, और वो सैटर्न जो है कहीं भी आपको सपोर्टिंग कस्प और प्राइमरी कस्प में सपोर्ट ही नहीं कर रहा, सिक्स हाउस को सपोर्ट ही नहीं मिल रही, तो आप ये बोल देते हो ना उसको कि भाई तेरी शनि की दशा खत्म होगी तो तेरी शायद नौकरी लग जाए, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप कहाँ पे आओगे कि भाई आपका जो सैटर्न को आप जब स्क्रिप्ट पढ़ोगे वहां से उसका सब लॉर्ड को कनेक्ट करोगे, तो वहां से आपको एग्जैक्ट डेट महीना टाइम पता चल जाएगा कि भाई तेरी लगने की पोजीशन कहाँ है, मतलब तू उस महीने ट्राई कर, मतलब जो ना होने वाला काम है उसको भी हम टाइम पीरियड में बिठा के उसको पुश कर सकते हैं, यहाँ पे ये फर्क आए। तो इसमें दशा जो था महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा, इस ये रोल प्ले करेगा इसमें दशा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा ये मैंने देखा, मैं जो स्टडीज कर रहा हूँ, राजीव जी आपका भी मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, ये मैंने जो ये स्टडी पूरा का पूरा मैंने किया, इसमें जितनी भी मैंने सॉफ्टवेयर देखी, खैर मैं तो आई एम यूजिंग ऑल द ये वाला तो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर ही रहा हूँ, कि महादशा तो ठीक है अंतर दशा से डिफरेंस आना चालू हो जाता है, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, हाँ। तो आपकी इतना डिफरेंस आता है कि वो एक कारण है कि पूरे इंडिया में पूरे भारत में कोई प्रिडिक्शन ठीक से कर नहीं पाता, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर की दशा ही गलत होगी वो क्या प्रिडिक्शन करेगा। तो क्यों ना अपन अपना प्लेटफॉर्म, ये जो अपनी जो ऑकल्ट साइंस का प्लेटफॉर्म है, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर की कुंडली अपना सॉफ्टवेयर बनाया जाए अपना, जिसमें की पूरी चीज देख के, एक्सपेरिमेंट देख के, प्रैक्टिकल देख के दशा कम से कम ठीक ठाक करें कुछ। नहीं आरएन जी उसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब हम भास्करन थ्योरी लेते हैं तो हम जब बीटीआर करते हैं या हम इवन रेक्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट दशाएं अपने आप मिल जाती हैं, तो इसलिए कोई भी हमें ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली हमें अप्रोच जो है सब्जेक्ट की अप्रोच हमारी करेक्ट होनी चाहिए, जो कि हम केपी में मिस कर जाते हैं। सिग्निफिकेटर्स के वो रहेंगे ना, जैसे फॉर गुड हेल्थ जो है इसका, 2611, इसका नहीं तरीका अलग नहीं, इसका तरीका अलग है जी आर्यन। चलो ठीक है देखते हैं जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू नीति जी। देयर सम पीपल आर आस्किंग फॉर द जर्नी में जो कंटेंट्स कवर होंगे, एक बार मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, देन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस जिनके हैं। सो एक बार मैं पूरा जर्नी पुटिंग ऑन द स्क्रीन, भास्करन थ्योरी की पूरी जर्नी कैसी रहेगी। दिस आई थिंक दिस इज समथिंग रॉन्ग इन दिस, दिस इज भास्करन थ्योरी, यहां से शुरू हुआ भास्करन थ्योरी। दिस इज, कैन यू प्लीज गो थ्रू दिस भास्करन थ्योरी कंटेंट। भास्करन थ्योरी की आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, नक्षत्र कैसे कहां पे कौन से क्या कैलकुलेशंस पे ये थ्योरी है वो पढ़ाया जाएगा, हाउसेज और भाव के आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं, प्राइमरी सपोर्टिंग फेवरेबल अनफेवरेबल कस्प उसकी थ्योरी पूरी पढ़ाई जाएगी आपको, मैरिज जो हमारा जो मैरिज है डिवोर्स है कि भाई डिनायल डिले वो सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बीटीआर आपको विद द इवेंट्स आपकी लाइफ के जो इवेंट्स है उसके साथ बीटीआर पढ़ाया जाएगा, चाइल्ड बर्थ आपका पहला चाइल्ड दूसरा चाइल्ड तीसरा चाइल्ड सब पढ़ाया जाएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, फॉरेन जॉब्स और सेटलमेंट कोर्ट केसेस और लिटिगेशन, फाइनेंसेस इन योर लाइफ, डिजीजेस कि भाई आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं वो भी यहाँ पे हम निकाल सकेंगे,
क्या क्या आपको कौन सी आपकी जिंदगी में कौन सी दशा में क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी आप इसके माध्यम से कैलकुलेट कर सकोगे। इट्स अ डिटेल स्टडी, टॉपिक में भी टॉपिक ये ब्रॉड टॉपिक्स है बट इन पर टॉपिक के अंदर बहुत सारी स्टडीज है, ठीक है। तो अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक, जैसे मैरिज ही है तो मैरिज में बहुत टॉपिक होते हैं, मैरिज कब होगी, चलेगी नहीं चलेगी, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कहाँ होगी कैसे होगी, तो उसके सब टॉपिक्स बहुत है, इट्स डिटेल स्टडी ऑन द टॉपिक्स, सो दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स। सैटरडे संडे क्लासेस रहेंगी 11 बजे मॉर्निंग में रहेंगी, 2 महीने का एक कोर्स है पूरा लाइव, पूरा लाइव जूम पे ही होगा कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे, सारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स होगी, जो रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर की जाएगी, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, स्टडी नोट्स आपको इसके मिलेंगे। तो दिस इज द कैरिकुलम फॉर द कोर्स। आज का जो स्ट्रक्चर रहेगा फीस स्ट्रक्चर वो ऐसा रहेगा, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर 1579 × 2 3158 15% ऑफ है एज पर द ऑनगोइंग स्कीम्स। देयर आर द 3 ongoing स्कीम्स, इसको अवेल कर सकते हैं। एक अगर फीस इकट्ठी पे होती है मल्टीपल मंथ्स की तो देयर इज 15% ऑफ, अगर रेफरल वैल्यू और रेफरल वैल्यू है, इफ समबडी रेफर टू सम सेकंड पर्सन तो उनकी जो फीस में रिड्यूस की इक्वल टू 15% रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है अगर एक महीने में 7000 कोर्स एनरोलमेंट होती है तो देन द 15% उनकी वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी। देयर आर द 3 schemes। फोर्थ इज दी अगर कोई भी अकेडमी से प्रोजेक्ट परचेज होता है तो 50% ऑफ है। देयर आर मल्टीपल स्कीम्स गोइंग ऑन इस महीने में और अगले जुलाई तक की स्कीम्स है, अगले महीने तक की स्कीम्स चालू हैं लागू हैं, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। एक न्यू पार्टिसिपेंट जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट अकेडमी में एनरोल करेंगे उनकी फीस 2107 है, 4240 है, इफ दे पे टुगेदर उनको 25% ऑफ मिलता है, विच मीन्स 3158 दे हैव टू पे। दिस इज द पेमेंट डिटेल्स। एक रिक्वेस्ट है कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट इन्हीं 2 नंबर पे शेयर किया जाए, यहाँ पे जो 2 नंबर है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों नंबर प्लीज इन्हीं पे दिया जाए ताकि हम ट्रैक कर सके, एट टाइम्स किसी और नंबर पे आते हैं तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। दीज आर द 2 नंबर्स टू बी यूज फॉर द स्क्रीनशॉट। इन्हीं नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए, आपके जो भी आपके क्वेश्चन है या और कुछ स्कीम्स रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स पूछनी है या एनी अदर क्वारी दैट रिस्पेक्ट टू कोर्स या सिलेबस रिलेटेड, कुछ भी जर्नी से रिलेटेड, अकेडमी से रिलेटेड, तो आप इन 2 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। एंड इसका आप पिक्चर ले सकते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है ऑलरेडी, किसी भी ग्रुप में नहीं है, उनके लिए एक लिंक हम शेयर कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन द लिंक ताकि आपका डिटेल लगातार आती रहे, जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, जो किसी भी ग्रुप में हमारे किसी भी अकेडमी ग्रुप में है उनको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम पुटिंग इन द चैट, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी नाउ यू मे प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? अर्चना जी का है सर, और ऋचा जी की कैमराज ऑन है तो आप उनसे क्वेश्चन ले सकते हैं। आप एक बार म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी ऋचा जी। हेलो मैम। हेलो सर। मैम लाइक आई वांट टू डू केपी, तो मैम इसके बाद केपी ज्वाइन करने की नीड रहेगी या नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है मैम। मैम और त्रिभागी दशा जो है वो इसी में कवर है या वो अलग से? त्रिभागी दशा अलग, वो अलग कोर्स। अच्छा ठीक है। और मैम एक छोटा सा आ गया था गलती से, यहाँ पे लिखा गया था। अच्छा ठीक है। त्रिभागी दशा और कौरी, दे आर टू डिफरेंट कोर्सेज, एक्चुअली नीति जी के 3 कोर्सेज लॉन्च्ड हैं, वो उसमें गलती से इकट्ठी स्टार्ट होंगी थी, दैट इज त्रिभागी दशा, अनदर कोर्स इज कमिंग। त्रिभागी दशा वैसे जैसे विंशुति दशा करते हैं तो उसमें त्रिभागी दशा बड़ी सटीक दशा है, वो अलग सब्जेक्ट है जो लॉन्च हो रहा है। एक और क्वारी की गणना कैसे करते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो लॉन्च हो रहा है, तो गलती से यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, बट दीज आर सेपरेट। ओके सर। ओके सर। तो मैम त्रिभागी और इसको मतलब ये सफिशिएंट रहेगा ना, मतलब जैसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए दोनों सफिशिएंट रहेंगे? ठीक है मैम। मैम और एक छोटा सा क्वेश्चन ये मैम कि मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि वो इस तरह लाइक इंडिया में कंटिन्यू करेंगे या फिर अब्रॉड कंटिन्यू करेंगे? नीति जी एग्जांपल ले लेते हैं, काफी देर हो गई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। आपके सामने मैं प्रश्न कुंडली लगा रही हूँ। ये अभी की प्रश्न कुंडली है जो ऋचा जी ने हमसे एक सवाल किया है। इनका सवाल इनके हस्बैंड को लेके है, करेक्ट ऋचा जी? यस मैम। ठीक है।
ठीक है। आपके हस्बैंड अभी इंडिया में हैं? मैम अभी इंडिया में थे, मतलब वो आज ही गए हैं बाहर। ओके, तो चले गए ना बाहर? चले गए मैम, लेकिन अभी ये डाउटफुल है कि वापस आएंगे, क्योंकि वो इंडिया में ही सर्च कर रहे हैं वैसे, बट इंडिया में कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी, वो इंटरेस्टेड तो इंडिया के लिए ही है, लेकिन वही एक डाउट था कि इंडिया में उनको कुछ मिलेगा या बाहर ही है उनका। ठीक है, ये तो पता है कि भाई ये बंदा अभी यहाँ पे नहीं है। अब वो बंदा जो है ये वापस आएगा या वहीं पे सेटल रहेगा? नहीं, वापस आएंगे। वापस आएंगे जी। तो मैम वापस आएंगे और हाँ जी, इंडिया का ही दिख रहा है मैम? हाँ, इंडिया का ही दिख रहा है। इनका वैसे भी मन नहीं लग रहा है वहां पे ना। yes, लगेगा मन नहीं लग। राइट मैम जी, ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है रिचा जी, अर्चना जी पूछे। जी मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली मुझे भी वो उसी के बारे में पूछना था कि मतलब त्रिभागी और इसमें क्या फर्क है, दोनों में सही प्रिडिक्शन है ना? हाँ, त्रिभागी जो ये जो भास्कर थ्योरी है, ये आपके विमशोत्री दशा जो उसको हम कॉमनली देखते हैं उस पे चलती है। त्रिभागी जो है एक त्रिभागी दशा होती है, जो कि थ्योरी हमको एस के मेहता जी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है। उसके अंदर आपको ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती, उसमें हम सिर्फ दो ही चार्ट्स को लेते हैं, आपका मून चार्ट और आपका लग्न चार्ट। उसके बेसिस पे ही आप पूरी पूरी उस त्रिभागी दशा के बेसिस पे आप प्रिडिक्शन दे सकते हो कि बंदा कब बीमार पड़ेगा, कब वो ट्रैवल करेगा, तब उसकी शादी होगी। तो यानी वो जो त्रिभागी दशा के बेसिस पे ही आप बंदे की पूरी लाइफ को बता सकते हो। ये जो भास्कर थ्योरी है, ये बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस हैं, जिसमें आप पूरी पूरी उसकी जिंदगी का चैप्टर एक ही साथ खोल सकते हैं। ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो मैम अगर मतलब दोनों में से कौन से सीखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो दोनों सीख लीजिए अर्चना जी, क्योंकि ये जो हमारी ऑकल्ट साइंस है ना, ये एंडलेस है। जहां जहां से आपको मिलता जाए ना, आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि जितना लोगे ना आप उतना ही आगे बढ़ोगे और उतना ही बांटोगे। क्योंकि एक पद्धति आपको कभी भी बेस्ट एक्यूरेसी नहीं दे सकती, क्योंकि हम लोग कलयुग में है, हमारे दिमाग जो है ना बहुत मेटीरियलिस्टिक दिमाग है। सामने जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी बहुत मटेरियलिस्टिक आते हैं। आजकल कोई भी हमारे ये नहीं आके कहता कि भाई मेरे को शांति चाहिए या मेरे को शांति कब मिलेगी। वो ये कहता है कि मुझे गाड़ी कब मिलेगी, बंगला कब मिलेगा, सुंदर बीवी कब मिलेगी, बच्चे कब होंगे, पैसा कब मिलेगा। तो इस चक्कर में जो है ना, हमें भी अपने को पॉलिश करके रखना ही पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट पद्धति का सहारा लेना ही पड़ता है। तो आप जितना सीखते जाओगे, एक चीज और मैं यहाँ पे सबको कहना चाहूंगी कि जो जितना सीखता है, एक चीज मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत सालों से नोट करी है कि जो जितना ऑकल्ट साइंसेस को सीखता है, उतना वो अपनी आठवें घर को यूज करता है। आप आठवें घर को यूज करना, आठवां घर आपका मृत्यु भाग है। या तो वो आपको मृत्यु के लिए यूज कर लेगा घर, या आप उसको ऐसे यूज कर लो। तो अब क्वेश्चन आपके ऊपर है, आंसर आप खुद ही दोगे कि भाई क्या आप अभी जीना चाहते हो या निकलना चाहते हो। जी मैम। मैं मेरा भी एक सवाल और बता दीजिए। अभी देखिए मैं बाई प्रोफेशन जी, आप तो मेरे आप तो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हो, आपके सवालों के जवाब तो हम देते रहेंगे। ठीक है, राजेंद्र जी का काफी टाइम से हाथ है, इसके ऊपर राजेंद्र जी। राजेंद्र जी हेलो। हाँ बोलिए जी। राजेंद्र जी, हाँ मैडम, मैंने बताया था कि एक तो करियर संबंधी और एक हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम। मैडम
वो आपका ले लेंगे जर्नी में क्वेश्चन, कैरियर संबंधी और हेल्थ संबंधी तो सभी के क्वेश्चन आते हैं। तो नहीं मतलब जो ये सीख रहे हैं वो काम आएगा कि कैसे कह रहेगा? हाँ हाँ जब हम करेंगे तो वो उसमें कर लेंगे, क्योंकि कैरियर और हेल्थ तो सभी के आम क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो एवरीबॉडी वांट्स। ठीक है, तो हम जर्नी में करेंगे इसको। ठीक है महेंद्र जी, ठीक है सर। वीनू जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। वीनू जी का अपना माइक वीडियो ऑन है। वीनू जी अपना क्वेश्चन बोले। गुड आफ्टरनून मैम। जी जी बिल्कुल। मैम मेरा क्वेश्चन, आपने जैसे बोला कि हम डेथ के बारे में भी जान सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप आंसर कर पाए, तो एक्चुअली माय फादर इज मिसिंग फॉर लास्ट 6 इयर्स, 6.5 इयर्स, तो क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं, whether he is alive या कुछ भी ऐसा? हाँ, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है सबसे हट कर आया सर, इसको हमें जवाब देना जी, 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 करें, और फादर करें। का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, नहीं है, चाहिए, नहीं चाहिए विनू जी, हमें नहीं चाहिए। ओके, और एक चीज ये कि जैसे मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ, मुझे ये लगन और ये सब बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो बिल्कुल मतलब स्क्रैच से ही होगा कि कुछ भी? हाँ जी, आपको ये कोर्स स्क्रैच से ही सिखाया जाएगा। हम ये मान के चलते हैं, जब भी हम मेरा कोई नया कोर्स आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनको किसी को कुछ नहीं आता, तो मैं सीधा स्क्रैच से ही स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, फादर के लिए आप बताएंगे मैम ये क्वेश्चन? हाँ, मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं नया प्रश्न चार्ट लगा रही हूँ। इन्होंने अपने फादर के बारे में पूछा है, तो इनके फादर का जो रोटेट होगा वो हम करेंगे 9th भाव से। विनू जी? यस मैम। वो जिंदा है? ओके, तो मतलब हम लोकेशन वगैरह भी इससे जान सकते हैं क्या? लोकेशन ईस्ट की साइड। आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ। ईस्टर्न की तरफ, दिल्ली के जो ईस्टर्न तरफ है वो, लेकिन वो दिल्ली के शहर में नहीं है, वो दूर है, यानी दिल्ली से वो निकल चुके हैं, ईस्टर्न साइड ऑफ। हाँ, उनको मिल पाऊंगी? एक सेकेंड, कब से घर से गए हुए हैं वो मैम? 13 February 2016। देखो आप मिल नहीं पाओगे, आपकी सिस्टर है? हाँ जी, आपकी सिस्टर है? आपकी सिस्टर है? ब्रदर है, बस एक छोटा। उनकी उनकी सिस्टर है? नहीं मतलब हम ब्रदर सिस्टर दो जने हैं, मैं बड़ी हूँ। नहीं, 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 मेरा भाई। आपके आपके फादर की सिस्टर है? बुआ। वो एक्सपायर हो चुकी है। बुआ बुआ एक्सपायर हो चुकी है। वो एक्सपायर, ओके। वो कहाँ रहती है? वो दिल्ली में ही रहे, उत्तम नगर में। ओके, मतलब वो भी दिल्ली के ही हैं? हाँ। ये दिल्ली से बाहर हैं, मतलब कि इनको खाली एक ही प्रॉब्लम है विनू जी, इनका कुछ जब ये घर छोड़ के गए थे कुछ मेंटली इशू था इनके साथ, डिप्रेस्ड? हाँ, डिप्रेशन बोथ, करेक्ट। तो अभी जो, हाँ तो अभी जो है ये बिल्कुल ही घर के उसके बारे में भूल चुके हैं, लेकिन 4 साल वेट करिएगा, आज से काउंट कीजिए 4 साल। 4 साल बाद शायद ही अपने आप आपकी अपनी बहन के घर जाएंगे, क्योंकि इनको उनका एड्रेस याद है।
ओके ठीक है, तो आप मैं इसलिए आपसे कहा कि बुआ से थोड़ा सा बुआ के घर वालों से कनेक्शन बना के रखें, वहां से आपको खबर आएगी। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था, क्या हम ऑक्टल साइंस, क्या समुची का क्वेश्चन आया था, क्या समुची आप पूछ रहे थे ये? थैंक यू सर। सर क्या ऑक्टल साइंस राइट प्लेस है कैरियर बनाने के लिए? हाँ जी, उनका क्वेश्चन था क्या ऑक्टल साइंस राइट प्लेस है कैरियर बनाने के लिए। सर सुमित जी पहले भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछ चुके और तो मैं इसको जवाब दे चुकी हूँ। फिर डॉक्टर हो, फिर सुमित जी आप पूछ लेना फिर, ठीक है, बता देंगे आपको। ठीक है, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू मैम। सर मनोज जी को अनम्यूट कर रही हूँ मैं, मनोज जी से बात करते हैं, बड़े दिन हो गए इनसे बात नहीं हुई। नमस्कार मैडम, कैसे हो? नमस्ते सर, कैसे आप? हम भी ठीक है, चल रहा है, देखो 81 स्टार्ट हो गया, 81 स्टार्ट हो गया 10 जून से। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे पूछना था, आप इसमें ट्रांजिट और प्रोग्रेशन भी लेने वाली हो? हाँ जी। हाँ दोनों हो जाएगा पूरा? हाँ जी। वही इसे यही पूछना था। प्रोग्रेशन जो है ना मनोज जी, थोड़ा सा एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है, मैं उसको संक्षिप्त में बताऊंगी, लेकिन जो प्रोग्रेशन, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस रहेगा, तो प्रोग्रेशन के बारे में मैं ग्लिम्स जरूर दूंगी, लेकिन जो डिटेल स्टडी होगी वो एडवांस में जाके होगी, तो अगर आपको यहाँ तक आता है तो आप एडवांस ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ तक तो हम जानते हैं सब कुछ, मैंने किया हुआ है सब, चाइनीज सर से किया हुआ है। फिर आप जो है वो आगे प्रोग्रेशन में आइएगा, तो हम आपको इन्फॉर्म करके रखें। पक्का बताइए, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जॉन जी पूछे। हाँ दीदी, आप कोई आता है शादी का बारे में पूछने के लिए, तो हम लोग इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका ये महीना में शादी होगी? बहुत बहुत अच्छे से आप इससे कर सकते हो। मेरा भी एक तो छोटा प्रेडिक्शन कर दो ना दीदी। सर आप तो खुद लाल किताब एडवांस और बेसिक कर रहे हो, तो आपको किस चीज की चिंता है? नहीं सिर्फ वही, क्योंकि मेरा कैरियर होगा कि नहीं ज्योतिष में। सर ये तो मैंने आज देखा ही था ना कि भाई सबके लिए देखा था, तो उसमें यही था कि भाई सबको मेहनत करके बन जाएगा, वो कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त वो ग्रह ऐसे आ रहे थे उसमें। मेरा पर्सनल देख दो, मैं फिर भी आपके सामने प्रश्न चार्ट को शेयर कर रही हूँ। ये आपका टाइम से खुलेगा कि मेरे टाइम से खुलेगा? नहीं ये मेरे टाइम से खुलेगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया, लेकिन जहां मैं बैठी हूँ मैं वहां से देख रही हूँ उसको। अच्छा जी हो जाएगा जॉन जी, आपका करियर इसमें बन जाएगा। क्योंकि अभी बुड्ढा हो गया ना, फिर कुक नहीं कर सकेगा। नहीं नहीं बन जाएगा आपका करियर इसमें। थैंक यू दीदी जी। दानिश जी नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मुझे ये हाथ का ऑपरेशन दोबारा कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, ये जरूर मैं लूंगी। हम प्रश्न कुंडली लगा रहे हैं। नहीं करवाना पड़ेगा आपको दानिश जी, नहीं कराना पड़ेगा।
अच्छा तो एक मैं तीन चार से चेक करवाया तो अभी कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे रहा है। नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसे ठीक हो जाएगा? ऐसे मतलब दवाइयां लेनी पड़ेंगी, लेकिन ऑपरेशन नहीं है, अभी हो चुका है ऑपरेशन। ठीक है, थैंक यू मैडम। जी जी सर। ये इनके हो गया, बागबाग जी का हो गया। इनका सर बागबाग पारस जोशी। हाँ पारस जोशी, पारस जी वैसे तो आप कैमरा ऑन करके बैठते हो, आज क्या हो गया आपके कैमरे को? मैं दरअसल क्या, मैं बाहर हूँ आज, ऐसी जगह बैठा हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर सकता। अच्छा चले पूछे। मैं मेरा बस खाली एक ही क्वेश्चन है कि मैं जॉब कब तक करूँगा, बस खाली ये। पारस जी आप तो आपके पास तो कुंडली भी नहीं है अपनी, तो आपको तो इस कोर्स में बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं कि मेरी बिल्कुल। मैम मैं तो तैयार हूँ, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ ना, मुझे तो करना ही चाहिए। आपको क्वेश्चन सब देख लेंगे ना। चलिए ठीक है मैम, ओके थैंक यू। रोहित जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लगा रहे हैं वन सेकंड, ये पुटिंग ऑन स्क्रीन। मनीष जी ने हैंड रेज किया, मनीष जी ने नवीन का अपना क्वेश्चन पूछिए। मनीष जी ये मैंने एक बार स्क्रीन पे दोबारा लगाया, इंटरेस्टेड फॉर एनरोलमेंट, ये कोर्स की जर्नी है, सैटरडे संडे 11 AM, 2 महीने की कोर्स है, लाइव पे जूम लाइव करेंगे और रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, डिजिटल सर्टिफिकेट के नोट्स। आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है मेरी वॉइस? आई एम ऑडिबल नाउ, आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस आ रही है अभी आपको? अब आ रही है। ये कोर्स की डिटेल है, सैटरडे संडे 11 AM, 2 महीने की जर्नी, जूम पे कोर्स है और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्लस ये पेमेंट डिटेल्स है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हमारे, द फर्स्ट लाइन इज फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट, अगर वन मंथ के लिए देते हैं तो 157 है, 2 मंथ में 315 है, इफ दे पे टुगेदर देन इज 15% ऑनगोइंग ऑफर, देन इट बिकम 2685। न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 2107, अगर अलग अलग करके देते हैं 2 महीने की, और एट वन गो 25% ऑफर, दैट इज टेस्ट कम टू 315। इसी दो नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, इनमें जो नोट के अंदर दो नंबर दिए, प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट एंड दीज टू नंबर्स ओनली, ताकि हम इसको रिकॉर्ड कर सकें, और किसी और नंबर पे स्क्रीनशॉट होता आता है तो उसको रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर इन दो नंबर के अलावा कहीं और नंबर स्क्रीनशॉट आता है तो ऑफर भी अप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर, काफ़ी डिटेल्स और भी डिफरेंट एसोसिएट्स की होती है, तो वहाँ पे फिर स्क्रीन अप्लीकेबल नहीं होती एसोसिएट्स के अंदर, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और मनीष जी का हैंड रेज था, मनीष जी आपका क्वेश्चन पूछे। करने का मैडम अभी लगे, आप ये भी बता दो कि मेरी शादी कब होगी? सर आप इसमें कोर्स में आ रहे हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसकी शादी कब होगी, उसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लंबा है, वो हम आपकी शादी करवाने के चक्कर में आप ही की कुंडली ले लेंगे उसमें। ठीक है, ओके मैम, ओके जी, थैंक यू। एंड राखी जी आप पूछे। ओके सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमारा जैसे कोर्स काफी हमें लगा कि कैलकुलेशन बेस्ड है और इसके मतलब जैसे अगर हम संडे, जैसे संडे कोई कोर्स होगा कई बार हम संडे स्किप कर देते हैं, तो क्या हमें रिकॉर्डिंग से पूरा क्लियर हो जाएगा? जैसे मैम रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाएगा राखी जी, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, और सर ये जैसे हमारा आपको ऐप बताई थी, आप इंटरप्रेट नहीं नहीं वो चीज सही है, लेकिन ये सर हम एस्ट्रोलॉजी में पहली बार आ रहे हैं ना, तो जैसे क्वेश्चंस क्वेरीज हो जाती हैं और फोरम में। अच्छा सर ये पूछना था, जो आप ऐप बता रहे थे वो हमें बाय करनी पड़ेगी, वो जो आप शॉप पे बता रहे हैं? ट्रू एस्ट्रोलॉजी अगर पेड वाला लेना तो उसके लिए आप पुनम जी से संपर्क कर लेना, तो आपको हेल्प कर देंगी, गाइड कर देंगी। ओके, तो सर क्या चार्जेस होते हैं उसके? पुनम जी गाइड कर देंगी उस पे। ओके सर, आप उनसे संपर्क, आपके पास नंबर है उनका, आप बात कर लेना। वो मोबाइल के नहीं प्ले होगी, वो उसके लिए है, वो ये जो नीति जी लैपटॉप पे चला रही है, ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सेम सॉफ्टवेयर। ओके, तो हम साइड बाय साइड यूज करेंगे मैम के, तो हमें दो इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे एट अ टाइम? नहीं आप लैपटॉप पे कर रहे हो क्लास भी? आई थिंक सर वो आप राखी जी गुरुजी ज्ञान ऐप के बारे में बात कर रहे हो कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात? नो मैम, सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ वो आपको पूनम जी से आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। रोहित जी आपका प्रश्न पूछे। रोहित जी, नरेश जी आपका प्रश्न पूछे। हाँ जी नमस्कार।
मैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ, अगर मैं ऑगस्ट में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा मेरे को सिर्फ इतना पूछना है। वैसे मैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं और ऑक्सफोर्ड में जाना चाहते हैं तो लेट्स हेल्प हिम। हाँ जी, ऑक्सफोर्ड हमारा वैदिक स्ट्रक्चर है। सर मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ना हमारा एक रूट्स है, मतलब हमारा वैदिक रूट्स है हमारी। और अभी तो चलो स्कूलों में स्टार्टिंग की एज के अंदर कहीं पे भी ये पढ़ाई नहीं जाती, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हमारा प्रणाली ऐसी है। अदरवाइज पहले के टाइम में ना ये चीजें बेसिक्स होती थी और हमारे अपने ध्यान में रहती, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम के अंदर प्रथम में ग्रह नक्षत्र राशि ये सब चीजें बेसिक्स के रूप में हमें दी जाती थी। तो हर आदमी एस्ट्रोलॉजर था एक्चुअली, हर आदमी। मुझे लगता है कि अगर हमें प्रोफेशनली नहीं भी करनी है ना, बेसिक्स हमको सबको ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक्स हमें ज्ञान होगा तो हम अपने सिस्टम को बेटर कर सकते हैं प्लस अपने घर के सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। हाँ जी सर, आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, प्रोफेशन अगर सीख सकते हैं आप, सीख के आप अपने लिए एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने लिए परिवार के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, राइट, ओके, थैंक यू। रितु जी आपका प्रश्न पूछिए। ठीक मैम सर, अनम्यूट करें अपने आपको रितु जी। सर एंड मैम दोनों को रिक्वेस्ट है कि मैम संडे को थोड़ा लेडीज लोगों को 11 बजे प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज वीक डेज में कोई भी डे रख लीजिए, 11 बजे चलेगा। सैटरडे ठीक है मैम, हम संडे को बच्चे नहीं उठते जल्दी, फिर सब काम ऐसे रह जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ खोना भी पड़ता है, तो देख लीजिए ना। अगर और भी लोगों की, लेडीज लोगों की और भी अगर रिक्वेस्ट हो, चलो हम देख बात करेंगे। वीक डेज पे तो सब काम पे चले जाते, कोई बात नहीं, 11 बजे चल जाता है। संडे को सर एक ही दिन मिलता है ना, हमें भी थोड़ा सोने मिल जाता है। रितु जी एक और थोड़ा स्ट्रक्चरल डिजाइन ऐसा है कि ये 11 बजे सैटरडे संडे का डिजाइन है, तो थोड़ा सा आप बात करें, और क्योंकि थोड़ा कुछ पाने के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट पे सर, 10% तो एटलीस्ट कुछ कर दीजिए। अभी के लिए संडे संडे 11 बजे, कुछ अगर चेंज होगा तो आपको बता देंगे, बट अभी के लिए संडे संडे 11 बजे। सर मैम प्लीज थोड़ा सा इस पे ठीक है, चलो उत्ती जी बात करेंगे इस पे, थोड़ा सा सर लेडीज लोगों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है संडे का, बात करेंगे। लेकिन अभी एज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस संडे संडे 11 o'clock अभी लेके चले इस संडे को, बाकी हम इस पे विचार करके बता देंगे। बस टू अवॉइड कंफ्यूजन, संडे संडे 11 o'clock एज ऑफ नाउ इट इज शेड्यूल, एंड नेक्स्ट संडे से क्लास शुरू हो जाएगी। And those who are interested, please get your enrollment done fast, ताकि आप लोग उससे पहले enroll हो जाएं। और आपकी importantly जो लोग जो existing participants हैं उनको तो पता है, जो existing नहीं है उनकी application भी run करनी होती है, तो उनका एक software होता है application का, वो download होना होता है, तो वो भी enroll हो जाएगा। जल्दी enroll करेंगे तो आपके पास जल्दी start हो जाएगा, तो आपकी जितनी classes होगी सारी वहाँ पर आ जाएंगी, then it would be a lifelong assets for you actually, तो आपके पास रहेंगी और जब भी आप चाहेंगे आप उसको दे सकते हैं अपने मुताबिक। It will be very helpful for you. तो जितना जल्दी enrollment होगा उनका effectively आप कर पाएंगे। ठीक है, और I think I deliver और नितिन जी deliver the subject entire subject. किसी का कोई बात कोई करना चाहे कुछ बोलना चाहे तो they are all open and the उनके सबके unmute the mic. All of them can unmute their mics themselves and can share your feedbacks. Thank you. जी unmute करें, self unmute करें mic अपना। जी बताएं आपका माइक अनम्यूट है। सर जरा एक प्रॉब्लम है, आप जरा ग्रुप पे पेमेंट के डिटेल्स और एनरोलमेंट फॉर्म भेज दीजिएगा, बिकॉज वी हैव नॉट टेकन द स्क्रीनशॉट। ये लीजिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं सर ले नहीं सकते हैं, अभी हमको जमता नहीं है वो 60 MB 66 67 जट से नहीं जमता है। तो आप, मैंने लिंक दिया है जो ग्रुप पे, मैंने जो यहाँ पे चैट में मैंने लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर लें लिंक को। मैं दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पे लिंक, हम आपको उस ग्रुप पे दे देंगे। हाँ हाँ, ग्रुप पे पेमेंट की लिंक और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बस इतना ही दे देंगे। ये ग्रुप मैंने लिंक दिया है, ग्रुप का लिंक, इस ग्रुप लिंक पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, ग्रुप पे लिंक तो ज्वाइन किया है सर, लेकिन पेमेंट के लिए उस पे डिटेल शेयर कर देंगे आप। हाँ ठीक है, कोई बात मैम। क्या इस पर रेमेडियल पार्ट भी हुआ क्या?
नहीं पारस जी इसमें रिमेडियल पार्ट नहीं होगा। पारस जी कितनी रेमेडी लोगे, कितनी दवाइयां लोगे आप? हां आप कितने महीने से दवाइयां ले रहे हो आप? सर वो एक्चुअल में क्या है ना, हर चीज का जब सिस्टम बदलता है तो क्या पता इसका भी रेमेडी का पार्ट कुछ बदल रहा है। रेमेडी घराव की होती है, घराव की रेमेडी कितनी रेमेडी आपके पास ऑलरेडी है? रेमेडी तो घराव की होती है ना। अच्छा सर, हेलो सर, त्रिभागी दशा लिखा हुआ है। त्रिभागी दशा अलग सब्जेक्ट है, इस पर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, त्रिभागी दशा नहीं है वो। हाँ ग्रुप के ऊपर लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप पे लिखा रहा है। हेलो सर जी, नमस्ते। हाँ जॉन जी नमस्कार, बताए। हमारे पास तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम लोग कैसा इसमें ज्वाइन करेगा? एक फ्री सॉफ्टवेयर है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पेड चाहिए तो आप उसके लिए कुदम जी से संपर्क कर लेना, ग्रुप पे देना, आपको हेल्प कर देंगी वो। सॉफ्टवेयर क्या लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर है? अरे फ्री सॉफ्टवेयर है, जब तक आप हो तब तक वो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, आपका जो पेमेंट वाला सॉफ्टवेयर बोल रहा था वो भी आपको चलेगा, जब तक आप यूज करें तो चलेगा। और उसका क्या रेट पड़ता है? वो आप अलग से संपर्क कर लेना जो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ जी अर्चना जी। जी सर जी। सर मैंने इस एकेडमी से जब मैं जुड़ी तो सबसे पहले शुरुआत ही मेरी नीति मैम के कोर्स से हुई थी, वो जो होली पर था एक दिन का यंत्र मंत्र तंत्र, फिर उसके बाद मैं लाल किताब, और फिर उसके बाद मैं आपको मालूम ही है कम से कम 10 कोर्सेज में एनरोल हूँ मैं, मतलब कर रही हूँ, कुछ कंप्लीट हो गए कुछ होने वाले। तो मुझे तो ये इतना उलझा हुआ लग रहा था ना, वो लॉर्ड सब लॉर्ड ये सब पहली बार, लेकिन है ना मुझे नीति मैम की टीचिंग पर भरोसा है, वो कैसे पढ़ाती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट हो रहा है इसमें क्योंकि वो कितने पेशेंसफुली पढ़ाती है और कैसे कैसे एक एक मतलब क्वेश्चन को हैंडल करती है, तो उनका तरीका मुझे मालूम है, वरना तो ये मुझे बड़ा उलझा हुआ लग रहा है बहुत ही ज्यादा। ऐसा लग रहा है। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, एंड ये उलझा हुआ नहीं है, इट्स वेरी इजी, फर्स्ट टाइम देखने में ऐसा लगता है, इट्स वेरी इजी। जी सर, और एकेडमी के तो सभी कोर्स इतने अच्छे होते हैं ना कि कुछ भी छोड़ने को मन नहीं करता, फिर लगता है ये भी कर ले वो भी कर ले, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसा लगता है फैमिली से अलग हो गया। वी कंसीडर ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स आर द फैमिली मेंबर्स। और सर अब इसके बाद में जैसे ये 2 महीने का है ये कोर्स, और उसके बाद में फिर इसका एडवांस लेवल भी आएगा इफ रिक्वायर्ड, अगर पार्टिसिपेंट्स की डिमांड होगी देन ओनली वी गो, अदरवाइज इफ नॉट रिक्वायर्ड वी नॉट गो। एक्चुअली आपको फुल कोर्स रखना चाहिए सर। देखो ऐसा होता है ताकि मन में वो ना रहे कि मैंने ये नहीं सीखा वो नहीं सीखा, जैसा कि मैंने आपका पूरा फुल कोर्स लिया। जॉन जी ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है या अपर साइंस एक ऐसी विद्या है कि कभी फुल कंप्लीट हो नहीं सकता। नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, जो अभी हम लोग भास्कर सीख रहे हैं ना, तो इसका फुल कोर्स होना चाहिए मेरे बोलने का। जितना आप सीखने जा रहे हो ये बहुत बड़ा है अपने आप, जितना आप सीखने जा रहे हो इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग सब्जेक्ट, ठीक है? तो उसके बाद इनफ है। हाँ ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, व्हाइल सेइंग दिस आगे की जर्नी उसके आगे देख सकते हैं कैसा है, उसके आगे बहुत कुछ है, वो अलग बात है, वो रहेगा भी हमेशा। पर सर के पास लाल किताब का सॉफ्टवेयर भी है, उसकी जरूरत नहीं है, नीति मैडम ने जो सिखाया उसकी आपको जरूरत नहीं है, पर लाल किताब का सॉफ्टवेयर आता है, रेड प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी करके आता है, रेड प्रीमियम लाल किताब का आता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, अगर चाहिए तो उसके लिए पूना मैडम से संपर्क करें। ठीक है जी। सर क्वेश्चन था सर। जी जी मिलित जी, कैन यू यूज अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड एस्ट्रो ट्रांजिट, उसके अंदर तो स्पेसिफिक मतलब ये भास्करन थ्योरी के इसमें है। हम वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं मिलित जी जिसके ऊपर फैकल्टी पढ़ा रही है, क्योंकि उसका रीजन है जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ाते हैं यूज करते हैं उससे हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है, दैट इज द रीजन वी आर गोइंग विद द टू एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि नीति मैडम टू एस्ट्रोलॉजी के पास सिखाएंगी, इसके माध्यम से सिखाएंगी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट इज योर विश, बट जिससे हम सीख रहे हैं अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ yes,
हाँ तो मिलन जी, उसमें जो है इस सॉफ्टवेयर में आपको हर चीज एक ही सॉफ्टवेयर में ढूंढने में आसानी से मिल जाती है। हम एस्ट्रोसेज में आपको, मैं एस्ट्रोसेज पे भी सिखाऊंगी कुछ क्वेश्चंस, ताकि जब आप मोबाइल होते हो, जब आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास किसी का मैसेज आता है कि भाई मुझे ये बताएं, मेरा ये सवाल है, तो आप कहीं बंधे हुए फील ना करो। नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग था सर। I'm not talking of astro sage, I'm talking of astro transit करके सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर नाड़ी, केपी और भास्करन थ्योरी है। उसके बारे में सर वो मेरे को नहीं पता, वो लेकिन मैं चेक कर लूंगी आपकी रिक्वेस्ट पे। लेट मी चेक। वो लेना क्यों था, नाड़ी के लिए लेना था तो फिर अलग इसके अंदर। हाँ तो अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको केपी भी केपी दिखाता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो मिलन जी, देन यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस। Okay, okay. If it is showing KP, then we can use this for Bhaskaran. हाँ हाँ हाँ, you can, very you can. Okay, yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you. Ma'am, ये true astrology यहाँ मिलता भी आपके यहाँ? हाँ, हमारी academy में है। आप पूनम जी से contact कर लीजिएगा ना, शिव कुमार जी। जी जी, ठीक है ma'am, ठीक है। जी। नीति जी, बताओ। लाल किताब भी है इसके अंदर या लाल किताब के अलग से लेना पड़ेगा? लाल किताब अलग है। लाल किताब अलग से होता है, वो अलग है। ये दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है और बिकॉज ऑफ द लाइट इलेक्ट्रिसिटी इशू मेरा जो मेन सिस्टम था वो ऑफ हो गया। एंड ठीक है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, कर सकूंगा अभी आपसे, बट लाल किताब इज अ डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। दोनों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है सर। जी, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन हैव एनी फीडबैक प्लीज शेयर इट एंड देन वी कैन। मोबाइल में ऑन कर सकता है क्या सॉफ्टवेयर? मोबाइल पे नहीं होता ट्रू एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब मोबाइल पे ऑन नहीं होता, वो सिस्टम बेस्ड है, लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे चलेगा। आप लोगों के पास तो लैपटॉप नहीं है तो सर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करो एस्ट्रोसेज वाला। आप मेरे को लिंक भेज दो ना सर। जॉन जी, मैं आपको एस्ट्रोसेज पे भी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी, ताकि आप लोग, मैंने जैसे अभी कहा कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं या हमें किसी को जवाब देना है और हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे, वो भी आपको इसमें मैं बताऊंगी। और सॉफ्टवेयर का लिंक भेज देना दीदी। जी जी जी, आपको लिंक जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम आपको लिंक भेज देंगे। और आपने उसका भी नहीं भेजा था मेरे को, मकान कुंडली का सॉफ्टवेयर। मकान कुंडली का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, मकान कुंडली की गणना होती है वो आप जो आपको वीडियो से वो आप लोग कंप्यूटर में घुसा के वो क्या क्या देखते है ना, वो नहीं है मेरे पास। मकान कुंडली की कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता जॉन जी, मकान कुंडली आपको अपने गणना से करनी होगी, उसमें जो तरीका बताया है और उसके अगर आपको वीडियो से क्लियर नहीं होता तो जब भी उसका रिपीट कोर्स होगा आप उसका ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां से क्लैरिटी बेटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो आपकी गणना जो सिखाई गई है उसमें। अच्छा, लाल किताब का जो एडवांस में हमको फिर ज्वाइन कराएगा ना? अच्छा, हम लाल किताब और मकान कुंडली का ना उसी विषय में बात करेंगे जो लाल किताब एडवांस उसकी बात होगी। आई थिंक नाउ वी शुड टॉक अबाउट ओनली केपी एंड सीएएल, भास्करन जी से बात करते हैं। ठीक है, आप मेरे से अलग से बात कर लेना जॉन जी। आपके समय के लिए और आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, और जो लोग इच्छुक है वो लोग प्लीज एनरोल करें, डिटेल्स हम दोबारा ग्रुप पे शेयर कर देंगे अभी, एंड उस ग्रुप डिटेल्स को प्लीज ज्वाइन इट। And thank you Niti ji, thank you all the great participants. Thank you very much. Thank you very much. Thank you lot. Thanks a thank lot. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you very much ma'am. आपको क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, you are the host now. Okay, जी सर जी.